हीरा, आपसे मिलने के लिए बस्ती के लोग आए हैं। क्या हुआ? तुझे रोकना होगा। किसको? एरिया कॉर्पोरेशन स्कूल में जो तुम आतंक फैला रहे हो, वो स्कूल गरीब बच्चों के लिए मंदिर है और तेरे गुंडे वहाँ जाकर आतंक मचा रहे हैं। वो कोई पत्ते खेलने का क्लब नहीं है या दारू पीने का बार नहीं है। गरीब बच्चों के लिए जहाँ पर खाना बनता है उस जगह को तुम लोगों ने दारू का अड्डा बना दिया। तुम लोगों को ये सब रोकना होगा। अरे वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसे तुम लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया, एक पवित्र जगह को अपवित्र कर दिया। इसे रोकना होगा। नहीं रुका तो कलेक्टर से तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। तेरे खिलाफ 1000 लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। किसी पुलिस वाले ने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आपको कुछ करना होगा। मैं कमिश्नर ऑफिस से जयगोपाल बोल रहा हूँ। शहर के अंदर 15 लोगों का इनकाउंटर लिस्ट निकला है जिसमें तेरा नाम भी है। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। ए, तेरी ये हिम्मत, तू जानता है किससे बात कर रहा है? तेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई मर जाए तो अब भी कभी मेरे एरिया में भेज दे। तू हीरा, हमारे एरिया में पुलिस आई है। मैंने ही बोला था डिपार्टमेंट में अगर कोई मर्द हो तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तू शेर जैसा खड़ा है लेकिन तू अलग पुलिस वाला दिख रहा है। अभी तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे पास यहाँ आए, मगर तू आ गया। क्या सोच रहा है, है? क्यों मैं यहाँ आया यही सोच रहा है? Oh!
तूने गन उठा ली, क्या तू मुझे मारेगा? मारेगा तू मुझे? कौन है तू बोल? है तू पुलिस वाला है क्या? अगर तेरे पास एक 47 भी हो तो तेरी हद घुटने से नीचे है, समझा? ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानते हो? घुटने से ऊपर थोड़ी सी भी करो चाही तो इंक्वायरी के नाम पर तेरे लोग ही तुझे अंदर कर देंगे। डिपार्टमेंट ने पुलिस वालों को गन जिस तरह से दिया, जैसे कि बच्चे के मुंह में निप्पल देते हैं, चूस सकता है लेकिन खा नहीं सकता। चुपचाप से गन अंदर रख, गलती से भी गोली चल गई तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बच्चे की तरह मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो। अब तू जान ले मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तू पुलिस नहीं है? देवा, मेटल क्रिस्टल बॉडी जिकोस्लाविया में बनाया है, 8 mm बुलेट रेंज 30 feet। सर आपने कमाल कर दिया। बोला कंफर्म, ये वही है, वही है, वही है। सर इसीलिए आप घूम घूम कर देख रहे थे, ये गली का वही गुंडा है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। अबे चुप, बोला तू सिर्फ मरने वालों को जानता है। मुझे ये पता है इसको किसने मारा है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसे किसने मारा है और क्यों मारा है। सिर्फ ये पूछूंगा कि गवाही देने के लिए कौन कौन तैयार है। आप सब लोग उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं ये जानता हूं। हम लोगों ने नहीं देखा है, हम अभी आए हैं, यही बोलने वाले हो ना? क्यों 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 आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोगों में से एक, सिर्फ एक आदमी मुंह खोलो, उसके घुटनों को काट कर पेपर वेट बना दूंगा। hey, कुत्ते को कहां ले जा रहे हो? वो कहां लेके जा रहा है? कुत्ता उसको लेके जा रहा है। क्या? कुछ नहीं सर। तू कहां जा रहा है? खूनी को कुत्ते की तरह पकड़ेगा क्या? यहां देख, उसके माथे पर लिखा है देवा, अपना ऑटोग्राफ देकर चला गया है, इडियट। एक काम कर, इस भीड़ में कौन गवाही देगा? इस कुत्ते को बोल जाके सूंग। सर अब मैं क्या करूं? तू जा। आई एम सॉरी, मैंने टेंशन बोल दिया। वो कौन है उसे पहचान कर भी पकड़ नहीं पा रहा, मैं बहुत परेशान हूं। सुनो, फोटो मत खींचो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं ईश्वर पांडे, मैं तुझे पकड़ने के लिए आ रहा हूं। आंखों में काजल है, होठों पे लाली, नगिन सी लहराए जुल्फे तेरी काली। ए आंखों में काजल है, होठों पे लाली, आंखों में काजल है, होठों पे लाली। नगिन सी लहराए जुल्फे तेरी काली, आंखों में काजल है, होठों पे लाली, आंखों में काजल है, होठों पे लाली। देखा तुझे देखा है जब से मैंने ओ गोरी, नींद आंखों से अब तो गई, तूने कर दिया मेरे दिल का ये घर खाली। अरे आंखों में काजल है, होठों पे लाली, नगिन सी लहराए जुल्फे तेरी काली, आंखों में काजल है, होठों पे लाली, आंखों में काजल है, होठों पे लाली। मारा वो फुंका हिलने लगा हूँ मैं, दिल पे चलाई है इसने छुरी रे, धरती हिला दे ये गगन हिला दे, उजड़े हुए गुलशन में फूल खिला दे, ये फूल खिला दे, ये फूल खिला दे, ये फूल खिला, फूल खिला, फूल खिला दे। ये दिल की कश्ती है अब तेरे हाथों में, जागा हूँ तेरी यादों में, रातों में बदले तू अपनी आंखों में, तेरे दिल में ही मेरे प्यार की मंजिल है, आंखों में
है होठों पे लाली, नगिन सी लहराए जुबे तेरी काली, आंखों में काजल है होठों पे लाली, आंखों में काजल है होठों पे लाली। गोरी तरसाना इस दिल को सुनने ऐ गोरी, हमको लगते हजारों वोल्ट के झटके, सामने आके जब तेरी कमर ये मटके, दिल मेरा रहे ना अब काबू में, अरे आजा अब तू मेरी बाहों में, आंखों में काजल है होठों पे लाली, नगिन सी लहराए जुल्फ तेरी काली, आंखों में काजल है होठों पे लाली। शमा मेरी हम तेरे परवाने हैं, बाहों में भर के चला दे हमको, प्रेम का रस पिला दे आजा अब हमको, क्या है तेरे दिल में आज हमको तू बता दे, नाजुक है मेरा दिल इसे ना सजा दे, आंखों में काजल है होठों पे लाली। देखा तुझे देखा जब से मैंने ए गोरी, नींद आंखों से अब तो गई, तूने कर दिया मेरे दिल का ये घर खाली, आंखों में काजल है होठों पे लाली, नगिन सी लहराए जुल्फे तेरी काली, आंखों में काजल है होठों पे लाली, आंखों में काजल है होठों पे लाली, आंखों में काजल है होठों पे लाली, आंखों में बेटा तुमने हमें खुश करने के लिए झूमा नाचा गाया, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। आप जैसे मेहनत मजूरी करने वाले लोगों ने याद से मुझे इस त्योहार में बुलाया, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो देवा? अच्छा हो सर, कुछ बोलने आए हो? क्यों नहीं बोलेगा, उधर खून किया यहाँ नाच रहे हो। आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा एक्टर है तू, हम सब जानते हैं, एक छोटी मछली को शार्क मछली बनाने वाला है तू। मैं जानता हूँ तूने हीरा का खून किया है, तेरे खिलाफ कोई भी आदमी गवाही नहीं देगा, ये तू अच्छी तरह जानता है। तूने अपना काम कर दिया, मुझे उंगली चाटनी पड़ेगी। आपका मुंह आपकी उंगली, आपकी मर्जी, मुझे बहुत काम है। सुनो, 2G8 पुलिस 20 लीटर डीजल खर्चा करके आए हैं तुझे इनाम देने के लिए नहीं, तूने शेर की पूंछ को पकड़ा है और एक दिन वही शेर तुझे कुत्ते की तरह काट के खा जाएगा। बोल दिया अब चलो। बेटा बेटा खाना खा के तो जाओ, घर में पॉपलेट बनाया है, खाना खाकर जाओगे तो खुशी होगी मुझे। मैं तो नहीं खाऊंगा, सर थक कर आए, उन्हें खाना खिलाओ, जो खिलाओगे वो खाएंगे। साहब जी हमारे घर में पॉपलेट मच्छी बनाई है, आप खाओगे? सुनो, शार्क मछली पकड़ने आया हूँ, पॉपलेट नहीं। क्या हुआ माँ जी, आप 2 दिन से खाना नहीं खा रही हैं? सब लोग खाना खा रहे हैं, आपको क्या हो गया? मैं इस आश्रम का सुपरवाइजर हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाकर खाना खा लीजिए। तुम चिल्लाओ मत, अपने साहब को बुलाओ। तुम्हें कहा ना अपने साहब को बुलाओ, आज इसका फैसला हो जाना चाहिए तभी हम खाना खाएंगे। फैसला बाद में हो जाएगा, पहले आप जाकर खाना खाइए, भाई जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग। तू कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, तुझे पूछने वाला कोई नहीं ऐसे लगता है क्या? तुझे यहाँ आके पूरे 3 दिन हो गए पता है ना? तू यहाँ नहीं आया इसीलिए 2 दिन से ये लोग स्ट्राइक पर हैं। सॉरी, आप लोग मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी वॉरी, कल से एक फोन भी नहीं किया तुमने। तुम्हारे बिना हमें देखने वाला कोई नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे, तुझे बिना देखे रह नहीं सकते इसलिए बोल रहे। मेरे खुद के बेटे ने मुझे अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा ही नहीं सभी का बेटा बनकर ख्याल रख रहे हो। हम अनाथ बनकर यहाँ आए, अगर हमें कुछ हो गया तो कौन देखेगा, हम अनाथ की तरह मरना नहीं चाहते। ये क्या माँ, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? एक बार सॉरी बोल दिया ना मैंने, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, चलो चलकर खाना खाते।
शुरू करो। अरे भाई एक जरूरी काम है। बताओ। इंडियन हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हैं ना, वो मेडिकल कैंप चलाना चाहते हैं। वो हमारे आश्रम में कैंप लगाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगाने दो ने। अच्छा वो कहां पर है? कौन? वही हाँ बॉय, अपना पागल अटेंडेंट। हट जाओ 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 हटो, हाँ चलो हटो। नमस्ते मेरे प्यारे बॉडीगार्ड, तुम लोग कैसे हो? जहाँ लोग नहीं भी होते हैं वहाँ भी तुम लोग हट जाओ कहने लगते हो। तुम्हारे इस काम की लगन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम लोगों को बॉडीगार्ड क्यों बनाया है पता है? मुझे कोई भी किसी वजह से मारना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम लोगों को अपना बॉडीगार्ड बनाया है। मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मासूम लोगों को कभी मत मारना अपने मालिक के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरा कहना जरूर मानोगे। अनिल कौन है? अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। ए, अनिल ए, इसको नाम सब ए, 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 ये अपना आदमी है, छोड़ इसे। क्या बात है रे? कौन है ये लोग? ये मेरे बॉडीगार्ड। आश्रम से जो तुझे पगार मिलता है वो तो कम है, इन लोगों को कैसे देगा? महीने के 5,000 की तनख्वाह में से 3,000 इनको दूंगा। फिर तेरे खर्चे के लिए? खर्चे के लिए मैं आश्रम से एडजस्ट कर रहा हूँ, समझे? ए बॉडीगार्ड क्लीनिंग। ए पहले मैं काम पर आया हूँ, फिर मुझसे आगे तुम क्यों जा रहे हो? अगर बॉस को कोई मारने आया तो उसके हाथ काटने वाला मैं हूँ। मैं पहले नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? हाथ काट सकते हो और मैं अपनी जान दे सकता हूँ। वाह 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 वाह, तुम लोग इतने दिन कहाँ थे? अगर तुम लोग शुरू से मेरे साथ होते तो मुझे क्या ऐसा मार खाना पड़ता? तुम लोगों के आने से पहले कितनी जगह मार खा चुका हूँ। तुमसे ज्यादा चालाकी मैं जानता हूँ। तेरी चालाकी कचरे में फेंक दूंगा। ज्यादा बात करेगा ना तो मैं तुझे चप्पल से मारूंगा। अबे चुप कर, तू तो जूता पहना है तो फिर चप्पल से कैसे मारेगा? ए, मेरे पास नहीं है तो क्या, मालिक से चप्पल मांग कर तुझे मारूंगा। मेरे से बिना पूछे वो तुझे चप्पल देगा क्या? अगर उसने चप्पल दे दी तो मैं उसे उसी के चप्पल से मारूंगा। ए, अगर तुझसे पूछ के चप्पल देने को तैयार हुए तो मैं इनको ऑन द स्पॉट मर्डर कर दूंगा तुझे। अगर मैं चप्पल मांगूंगा तो मालिक मुझे दे देंगे। मालिक मुझे चप्पल दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए मालिक, मालिक चप्पल दे दीजिए। क्या कर रहे हो? देखा, मालिक ने मुझे चप्पल दे दिया, अभी तू क्या करेगा? क्या रे, मुझे मारने के लिए तूने चप्पल दे दी? सुनो तो सही तुम लोग, क्या मैंने अपने आप चप्पल लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद लिया। क्या रे, मुझे मारने के लिए चप्पल दी? अरे जल्दी चलो, अरे मुझे मत मारो। अरे अरे चल रिक्शे वाले, अबे क्या कर रहे हो? अबे अबे छोड़ो। अरे सुन, इसको यहाँ ज्यादा नहीं मारेंगे, इसको अपने अड्डे पर नहीं मारते हैं। अड्डे पर नहीं जाऊंगा। अरे कैसे वाला है, बॉडी गाड़ी मार रहे हैं। मुझे बचा लीजिए, ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या ये गुंडे लोग? तू
तू क्या इस लड़की को बचाएगा? तू हीरो है, काट डालूंगा। भाई भाई आप चाकू को नीचे करो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप चाकू को नीचे करो भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, कैसे आदमी है सर, दिन दहाड़े अन्याय हो रहा है, चुपचाप देख रहे हैं। आप किस तरह के मर्द हो, आपको पैंट की क्या जरूरत है? रख लो, बैग निकाल दिया ना, चल। अरे मैंने कहा उसको पकड़ा है, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, उसको ले जाओ, मुझे छोड़ दो। आप रोइए मत, सेटअप है, बाहर देखो कैमरा है। भगवान, मैं तो डर ही गया था। लड़की के ऊपर अगर अन्याय हो तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये प्रोग्राम है। आपके हेल्प सुपर है सर, और इस हफ्ते के बकरे श्वेता, तूने ठीक से कवरेज किया ना? आज आपका जन्मदिन है, ये लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे मेहनत के पैसे में पसीने की खुशबू चाहिए, मगर खून की बदबू नहीं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। तुम एक गुंडे हो। माँ तुम क्यों हमेशा मुझे गुंडा गुंडा बोलती रहती हो? न्याय मांगने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, गलत काम करने वालों को सजा देता हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? जिसने गलती की है तू उसे ढूंढ कर मारता रहेगा और फिर कहता है मैं गुंडा नहीं हूँ। फिर मुझे क्या करना होगा? तुझे बदलना होगा। सुनो माँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, जो मांगो दे सकता हूँ, लेकिन बदलने की बात मुझसे मत कहो। मुझे पूरा यकीन है मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, और मैं किसी भी हालत में किसी के लिए ये रास्ता नहीं बदल सकता, आपके लिए भी नहीं। इसी तरह मेरे भी कुछ नियम हैं और मैं उन्हें नहीं बदल सकती। अभी तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुनाई नहीं दिया? कैसी हो तुम? अब नाराज हो गए ना भैया? अरे छोड़ो, ये सब जनरेशन गैप है, माँ तो ऐसी ही होती है। ऐसा मत कहो, देखा जाए तो माँ की बात सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। भाई माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो सामने दिखा नहीं पाती, अब क्या करे वो भी। अरे सुनो, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था ना? हाँ हाँ। 10 मिनट में तुम्हें घर पर मिलेगा। लेकिन माँ। अरे तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल देती हो, बोल देना तुम्हें प्राइज में मिला था। और सुनो बहना, माँ का ख्याल रखना। बचाइए सर, प्लीज प्लीज बचाइए सर। क्या रे, तू बचाएगा क्या? क्या रे, टेढ़ाओं का देख रहा, मारेगा? हाँ मारेगा क्या? सर रुक जाइए प्लीज, सर रुक जाइए सर, ये सचमुच के गुंडे नहीं है सर। सर हम ट्यूटी विजय हैं, वो देखिए वहाँ पे कैमरा है। अगर कोई लड़की खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए कितने लोग आ सकते हैं? हमारा ये प्रोग्राम इसी बेस पे आधारित है। देखो सुनो, आपके लिए खेल का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे ऐसा करना पब्लिक न्यूसेंस है। अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इट्स वेरी बैड। सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी।
सिस्टर, ये टैबलेट किसके लिए है? सुनील के बेटे अनिल, तुम कहा? अरे तू यहाँ पर कैसे? तू गांव से ऐसे ही आ गया क्या? कब आया? पी क्या आया है? मैं कल ही गया था। अरे भाई, लेकिन अब तुझे क्या चाहिए? तूने सही पूछा, मेरी औरत है ना तेरी बहन, हाँ, मैं तो? उसको अच्छी तरह से देखते हुए 7-8 साल हो गए हैं। अबे तू एक काम कर, यहाँ किसी डॉक्टर से मेरी दोनों आँखें निकलवा कर साफ करा के वापस लगवा दे। तू अपनी आँख को क्या बल्ब समझा है? काम करेगा या नहीं? अबे ये क्या, तू मूर्ति की तरह अकड़ क्यों गया? सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तू यहाँ गप्पे मार रहा है, कौन है? मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार? कैसा रिश्तेदार? दरअसल मेरा भाई है ना, मेरे भाई की औरत है ना मेरी भाभी, मेरी भाभी का ससुर है ना, ससुर की बहन का लड़का है, लड़के के चाचा का लड़का है, दूर के रिश्तेदार के चाचा का लड़का है। ऐसे घूर क्यों रहे हैं आप, जरा फिर से बताना। इसको एक बार सीधा सीधा बोलने में इतनी तकलीफ हुई तो इसको दोबारा कैसे बोल सकता हूँ? सच्ची सच्ची बोलता हूँ, मेरे साले का भाई है ना, उसका रिश्तेदार। ये सारी बातें पहले बतानी चाहिए थी ना, मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो तो टाइम पास के लिए सब कर रहा है, दिमाग खराब है क्या? उधर देखिए माँ जी, वॉक्सर क्या है? हेलो डॉक्टर। आइए सर। इन लोगों को ये क्या बीमारी हुई है? इट इज डिसीजेस ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मेरा मतलब गंदा पानी पीने की वजह से इन लोगों में ये बीमारी फैलती है। ये लोग जो पानी पीते हैं उसमें केमिकल जैसे कि हाइड्रोकार्बन, सल्फर, फ्लोराइड मिला हुआ है, और गर्भवती महिला भी यही पानी पीती है, और उसकी वजह से इन जैसे बच्चों का जन्म होता है। इस तरह की कंडीशन होने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर हमें चिंता करके क्या फायदा? अच्छा सुनिए अंकल साहब जी, आप बता सकते हैं बच्चे कहां से आए हैं? पास के एक छोटे से गांव से आए हैं। क्या कहना चाहते हो? आपके फैक्ट्री के केमिकल का गंदा पानी सीधा नदी में जाकर मिल जाता है। इस पानी को गांव में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, और आपके फैक्ट्री में काम करने वाले भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द रोक दे। ए, मार जाओ। लोगों को तकलीफ हो रही है, और आप पढ़े लिखे हैं, सोच समझ कर काम करेंगे तो अच्छा होगा। ए, तुम क्या मुझे सिखाओगे? ए, ये अंदर कैसे आया? जाएगा या धक्के देके बाहर निकालूं? जा रहा हूँ सर, मैंने अपने दिल की बात बता दी और आपने अपनी मर्जी। चलता हूं। नमस्ते, वर्कर्स डे के लिए हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आज का दिन दिवाली, रमजान, क्रिसमस की तरह ही हमारे लिए नया साल है सर। हेलो, आपका यूनियन लीडर कौन है? मैं हूँ सर। आ जाओ। क्या बात है? मैं इस कंपनी के एमडी का साला हूँ, अभी अभी अमेरिका से आया हूँ। बोलिए सर। क्या तुम लोग नमस्ते नहीं करते? इसने हमारे यूनियन लीडर को मारा है। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? आपके साले ने मुझे मारा है। साला कौन है मेरा साला? वो देखो, वो आ रहा है। एक मिनट, मैंने आपके यूनियन लीडर को मारा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने जो गलती की उसकी माफी मांग ली, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप लोग अनजाने में कर रहे हो। कौन सी गलती? सही सवाल। फैक्ट्री में जो वेस्टेज केमिकल निकलता है वो नदी में जाता है। वाटर सैंपल से ये पता चला है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक किस्म का जहर है इस पानी में मिल रहा है। इस पानी को पीने की वजह से कई ऐसी बीमारियां जो फैल रही है, पेट की बीमारियां, कॉलरा, डायरिया और न जाने कितनी बीमारियां होती है। जब गर्भवती औरत इस पानी को पीती है तो उसके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं। अब तक कम से कम
200 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसके बारे में तुम हमें क्यों बोल रहे हो? ये बात तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस नदी का पानी तुम्हारे परिवार के लोग भी पी रहे हैं। जब इस नदी का पानी पीकर तुम लोगों के बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तब मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, मस्जिद जाओगे, भगवान से विनती करोगे, लेकिन वो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जब वक्त आया था तो तुम लोगों की आंखें बंद थी। क्या कर रहे थे तुम लोग? फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा रहे थे, लेकिन जिनके लिए कमा रहे थे उन लोगों को तुम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है बस। लेकिन अब हमें क्या करना होगा भाई? देख सुन मेरे दोस्त, इस गंदे पानी को साफ करने के लिए एक प्लांट है। देखा जाए तो कायदे से आपके मालिक को वो प्लांट रखना चाहिए, लेकिन आपके मालिक ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हिसाब दिखाकर बैंक से 125 करोड़ रुपए का लोन लेकर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। करप्शन से ज्यादा पोल्यूशन खतरनाक होता है। मैंने आप लोगों में से एक आदमी को मारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग अपने न्याय के लिए लड़ो। तुम्हें समस्या पता है, तुम्हें सोल्यूशन पता है। यह सिर्फ आपके अकेले के फैक्ट्री की समस्या नहीं है, पूरा भारत इस समस्या से परेशान है। अगर तुम लोगों में एकता है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो। अब आगे आपकी मर्जी। क्लीनिंग प्लांट के लिए लड़ेंगे, क्लीनिंग प्लांट के लिए लड़ेंगे, क्लीनिंग प्लांट के लिए लड़ेंगे, चाहिए चाहिए क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए चाहिए क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए चाहिए क्लीनिंग प्लांट के लिए। गुड इवनिंग बेटी। गुड इवनिंग डैडी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए कंबोडिया के कलर फैक्ट्री के मालिक के लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने की सोची थी, मगर तुमने उसे भी मना कर दिया। अब मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जिसकी पिकल की फैक्ट्री है, उसका नाम है प्रहलाद। वो आम का अचार बनाने में मास्टर है। मैंने फैसला कर लिया है मुझे किससे शादी करनी है। तुमने फैसला कर लिया है? शाबाश, तुम्हारे दिल को जीतने वाला वो है कौन, ये तो बताओगी मुझे? वो एक अनाथ आश्रम चलाता है, यहाँ देखियो। क्या? चल जाएगा, साइड एंगल से देखने में खूबसूरत हैंडसम तो लगता है। मैं तुम दोनों के बीच में सॉलिड ब्रिज बनकर रहूंगा, है ना? बॉम्ब से उड़ा दूंगी, आप हार जाओगे। लड़का अलग टाइप का है, उसे कैसे पाना है मुझे मालूम है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ये देखो आश्रम का अटेंडेंट आ रहा है। ड्रामा शुरू करो। तुम कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मेरी बात मानो। चारों तरफ कहीं भी देखो दिशाएं दिख रही है, किसी भी दिशा में चलो तुम्हें रास्ता मिलेगा। ये भरी जवानी में मरने की क्यों सोच रही है? अरे अरे, जिंदगी जीने के लिए होती, मरने के लिए नहीं। बाप रे बाप, मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझे बताओ, मैं मत। अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, मुझे जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। पीछे ले लो, पीछे ले लो, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, ऊपर ले लो। अरे अरे भगवान, मैं तुम्हें बचाने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सुसाइड क्यों, बताओ? जब कारण पूछ रहा हूँ तो मेरी तरह रो क्यों रही हो? मुझे पहले जिंदगी दी मेरे माँ बाप ने और दूसरी तुमने। हाँ, सिर्फ ये तेरे ही घर में चलता है ना। आज से मेरी ये जिंदगी आपकी है। मैं ना, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैं ना समझकर मरने की कोशिश कर रही थी और आपने मुझे बचा लिया। अब आप जहाँ रहेंगे मैं वही रहूंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपके सिवा मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा है, साइकिल पर चलने वाला मैं, मेरी तो लॉटरी लग गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ रहेगी। नमस्ते सुपर। ए, पूरा नाम बोल, ये क्या सुपर? मैं तो शॉर्टकट बोल रहा हूँ, आपको पसंद नहीं है क्या? बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना। नया एडमिशन। कौन हो तुम? अरे अरे अरे, रो मत रो मत रो मत, ये क्या है, पूछा तो रोने लगी। क्यों नहीं रोएगी, एक इंसान की जिंदगी में इतना दुख होगा तो वो तो रोएगा ही ना, जिंदगी दुखी हो गई। ए, मेरे सवालों का जवाब दो, बेकार में होशियारी मत दिखाओ। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरे सीने का दुख फूट कर बाहर आ रहा है। बाहर आ गया ना, अब क्या बोल रहा हूँ। ये लड़की अपने परिवार के साथ वैन में मंदिर जा रही थी, अचानक वैन का एक्सीडेंट हो गया और इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। भगवान की कृपा से ये लड़की बच गई और अनाथ की तरह रोड पर खड़ी थी। मैं इसे यहाँ पर उठा कर ले आया।
कहाँ हुआ ये सब? रोड पर। ए, मैं जगह के बारे में पूछ रहा हूँ। जो रोड आपको जगह नहीं लगती, एक्सीडेंट क्या घर के अंदर होगा? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी पेपर में न्यूज नहीं आई। ठीक है, किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन तुझे कैसे पता चला? मैं वहाँ पेशाब करने गया था। एक्सीडेंट होने वाली जगह पर तू पेशाब करने क्यों गया था? नहीं, जहाँ मैं पेशाब करने गया था वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, कितने बजे पेशाब करने गया था? हाँ, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ ये मत पूछो, पेशाब कितने बजे करने गया था ये पूछ रहा हूँ। दोनों काम एक साथ ही हुए थे ना? मैं आपको मार दूंगा अगर मैं गलत सोचता तो, मंदिर में ले जाके इससे शादी कर लेता, लेकिन मेरे दिल में रहम है इसलिए इसे यहाँ लेकर आया। चलो लड़की मेरे साथ चलो। तू गया नहीं क्या? अभी तुझसे बात करने का फायदा नहीं, मैं सीधा देवर से बात करूंगा। चेक रेडी है? हाँ रेडी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है इसे? अरे इस लड़की के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए हैं और ये अनिल इस लड़की पर रहम खाकर दाखिले के लिए लेकर आया है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? अंजलि। ठीक है, इसका दाखिला कर दो, मैं बैंक से होकर आता हूँ। देखा बे खड़ूस, देवा ने एक बार में दाखिले की परमिशन दे दी, तू इतना सवाल पूछ पूछ कर पागल कर रहा था। तू एक बार गाँव जा, फिर देखता हूँ। अभी तक दाखिला नहीं दिया है, उस गाड़ी का नंबर बता, फिर दाखिला दूंगा। बाप रे बाप, किस वैन का नंबर दूं? ए, ए, ए। अरे रे, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। एक्सीडेंट के बारे में पूछ क्या लिया, ये तो गधा बेहोशी हो गया, मरने दो। चलो चलो तुम आओ, अगर इसने शाम तक वैन का नंबर नहीं बताया तो दाखिला नहीं मिलेगा। आज पूरा दिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा, बुड्ढी को लेकर आओ तो एक भी सवाल नहीं पूछता है, एक जवान लड़की को लेकर आया हूँ तो हजारों सवाल पूछ रहा है। वैन नंबर मिला क्या? नहीं। मॉर्निंग सर। नमस्ते। बोला, इसने सही में नमस्ते किया या मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या सर, आप सब जानते हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि वो मजाक कर रहा था। ये नॉर्थ मद्रास का गुंडा है ना? हाँ सर। चलो उसे देखते हैं। सर सर सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मारपीट नहीं करूंगा सर, हफ्ता वसूली भी नहीं करूंगा सर, सभी लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखूंगा सर, मैं भगवान की कसम खाता हूँ सर। देखा ना बोला, अभी इसे मेरी ताकत का अंदाजा लग गया। सर ये हमारी वर्दी से डर के नहीं आया है, जरा आप उधर देखिए ना। क्यों रे, देवा के डर से तू मेरा पैर पकड़ रहा है? सर सर, देवा मंदिर नहीं आता है सर, वो मुझे मारने के लिए मंदिर आया है, अगर उसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं सर, हीरा के साथ मुझे भी मारने वाला था सर, लेकिन ए, ए, एक मिनट, उसने हीरा को गोली मारी तूने देखा था क्या? मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, मेरे ही सामने हीरा को गन से माथे पर गोली मारी थी इसने। इस बात को तू कोर्ट में जाके बोलेगा क्या? अगर मैं जिंदा रहा तो गवाही जरूर दूंगा। बस मुझे यही चाहिए था, फंस गया वो। ए, सुन देवा, आज सुबह तूने किसका मुंह देखा है? मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो अच्छा चेहरा देखा है। मैंने पूछा, हीरा को तूने मारा है इसकी गवाही कोई नहीं देगा, ये सोचकर बहुत खुश है ना तू? गवाह है और तुम इसको मारने के लिए इस मंदिर में घूम रहे हो। हीरा को मैंने मारा है, ये बात आपको किसने बताई? बोल बे, अभी जो इसने मुझे बताया कल वही बात कोर्ट में भी जाकर बोलेगा। हाँ हीरा को मारते समय तूने मुझे देखा, अच्छा अगर मैंने तुझे मार दिया तो कौन गवाही देगा? तुमने कभी सोचा है इस बारे में? तो तुमने देखा, न, 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 नहीं देखा सर। ए, ए, यही गोली मार दूंगा। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार? मंदिर में आए हो, पूजा पाठ करो, प्रसाद लो, भजन कीर्तन करो, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? लाइफ में कुछ काम धंधा है या नहीं? चलो अब लो इसे, जरूरत है तुम्हें। आई एम वेरी सॉरी सर। सर सर, मुझे कुछ दिन के लिए जेल में डाल दीजिए सर, तभी मैं बच पाऊंगा सर। चल हट रे। अरे इतनी रात को तू नाच क्यों रही है? मैं हर सैटरडे नाइट को डिस्कोटेक जाती हूँ, आज है सैटरडे इसीलिए डिस्को। डिस्को की बच्ची, अब एक झापड़ मारूंगी ना, इस आश्रम में अनाथ बनकर आई हो, आराम से रहो, नहीं तो देवा से कह दूंगी। क्या देवा से बोल दोगी? कौन है देवा? देवा हमारा साहब है। तो मैं भी आपकी साहब हूं। तू हमारी साहब है?
खुशी कि मैं और देवा लवर्स लवर्स हो? हाँ, क्योंकि आप सब लोग उसके लिए माँ बाप के बराबर है। जब तक आप लोग मुझे ओके नहीं करेंगे तब तक वो भी मुझे हाँ नहीं करेगा। उसके ही कहने पर मैं अंदर आई हूँ। अगर हम ओके ना करें तो सबको बाहर भगा दूंगी। अगर आप सब लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं जीतूंगी, और जीतने के बाद जिस जिसने मेरा साथ नहीं दिया उसे छोड़ूंगी नहीं। Come on, girls! Okay, हम सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये क्यों बाहर खड़ी है? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आप लोग सब लोग क्या कर रहे हो? रात के 12 बज चुके हैं, चलो जाकर सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अंकल। ओके अंकल, ओके अंकल। तुम्हारा नाम अंजलि है ना, यहाँ पर रात में जल्दी सो जाने का। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ। ए, गुड़िया, मेरा प्यार कामयाब तो होगा ना? सुनो गर्ल, तुम सबको मैं पसंद हूँ, उसे बताओगे तभी तो वो मुझसे शादी करेगा। ना बढ़ा चढ़ा कर बताया था ताकि आप उसे बताएं और वो मुझसे शादी कर ले। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा? मुझे बहुत जल्दी मिसेस देवा बनना है, इसीलिए आप लोग अपनी तरफ से उसे प्यार से समझा देना। ओके, जय बजरंगबली। बेटा बेटा, क्या हुआ माँ? रोज दिया जला के तुम पूजा करते हो, अगर एक लड़की दिया जला के पूजा करे तो अच्छा लगता है। हम सबकी यही इच्छा है। हाँ बेटा, आपके मन की बात मैं समझ गया, मैं भी यही सोच रहा था। इतने दिनों से मैं स्वार्थी हो गया था। कोई बात नहीं, कल आप दिया जला लेना, फिर परसों आप जला लेना, उसके बाद आप, उसके बाद आप जला लेना, उसके बाद आप, हो जाएगी ना आपकी मनोकामना पूरी। ओके ना? ओके ओके। हाँ ओके। अरे बाप, गोल मिस हो गया। ए, दिमाग नहीं है आपको? अरे कौन है बोल के कैसे गोल होगा? ये क्या है? दिया जलाओ, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। अरे 100 साल से यही सुनती आ रही हो, तो बदलोगे कि नहीं? या फिर मैं? क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? आ रहे आ रहे। उससे बचकर भाग गए क्या लक्ष्मी? हाँ। मेरे महीने की तनख्वाह 2,700 रुपए है, लेकिन इसमें 5,000 रुपए है। गलती से आपने दे दी है? ऐसी बात नहीं है, मैंने जानबूझ कर दी है। मुझे आप क्यों ज्यादा दे रही हो? ज्यादा सवाल मत करो, मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने दे दी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का पैसा मेरे लिए काफी है। नहीं नहीं, आप पैसा रखिए। आप मुझसे जबरदस्ती करेंगी तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। मैं चलती हूँ। खुददारी से इस दुनिया में जीने वाली आपकी माँ, आज उसे खुददारी खातिर उन्होंने आपके पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए। अंजलि और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात मैं भाई को बोलूंगा तो जलन के मारे मर जाएगा। भाई? हाँ। उत्तर और दक्षिण को कभी एक साथ मिलते हुए देखा है क्या? नहीं, पर यहाँ पर मिल गए हैं। भाई, तुमने कभी हवा के झोंकों को तूफान से लड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी गले मिलते देखा है क्या? चांदी और पीतल को मिलते हुए देखा है क्या? यहाँ ये एक साथ होकर, एक साथ मिलकर, निपट कर, चिपट कर, सिमट कर, साथ साथ घूम रही, खटपट 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 हो रही है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे दोबारा ये बात करना है, मैं फेंकता हूँ, तुम कैच कर लेना। तू यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ देवा से मिलने आई। देवा से तू मिलने आई है? ये तो गलत है ना? क्यों देवा से मिलेगा? मैं तो अपने प्यार के बारे में बताऊंगा।
मैं भी लव मैटर के बारे में बताने आई। अरे जब वो मेरी बात नहीं मान रहा तो तेरी बात कैसे मानेगा? मैं बोलूंगी तो सुनेगा 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 सुनेगा। अरे बाप रे, अपने प्यार को बताने के लिए इसे मेरे से भी ज्यादा जल्दी है। तू बड़ा किस्मत वाला है, तू बड़ा किस्मत वाला है। ये क्यों अंगूठे को हिलाते रहते हो? नहीं नहीं, वो मुझे पसीना आ रहा था इसलिए हवा कर रहा था इससे। एक अंगूठे को हिलाकर कभी हवा आती है? वैसे तुम मुझे कुछ बता रहे थे, थोड़ा आराम से बताओगे? ओहो, तो तुम ये पूछ रहे हो? उत्तर दक्षिण हवा और तूफान, चांदी और पीतल, जमीन और आसमान को एक होते हुए देखा। अरे मेरी बात तो सुनो, कहां जा रहे हो? ए, तू जैसे पागल से बात करो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो गया हूँ क्या? सर, आज तक की ड्यूटी में पहली बार मेरा डंडा टूट गया है। सर, आप देवा के मैटर में मेरा वाला स्टाइल क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो? मैं समझा नहीं। आप उसके खिलाफ गवाह ढूंढ रहे हो, इसकी क्या जरूरत है सर? उसको पकड़ कर उसको जेल में डाल दीजिए और मेरा स्टाइल इस्तेमाल कीजिए सर। उसको उल्टा लटका दीजिए, ये टूटा हुआ डंडा जब पड़ेगा ना सब कबूल कर लेगा। बोला, सुपर बोला। शेरू सर, सुनो नाडू 302 गोविंद स्वामी। सर, ये बोल रहा है कि देवा को खींच कर लाएगा और जेल में बंद कर देगा, इस शेर के साथ जाओ तुम। क्या बोल रहे सर? मैं उसको, सर उसको पकड़ने से अच्छा मेरे लिए यही होगा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं सर। समझ गया ना, अपना मुंह बंद रखो। उसको कहां मारेंगे और किधर मारेंगे उसका स्केच मैंने बना लिया है, इस बार वो बच नहीं पाएगा। कंधे से अपना हाथ हटाओ, ये पब्लिक पार्क है। अब किससे क्या डरना है? तुम्हारी माँ को अपना लव मैटर बताकर परमिशन ले ली है। ओहो, तो इस खुशी में इतना उछल रहे हो तुम? भाग भाग भाग, जल्दी पुलिस आ गई। भाग भाग, तुम्हें कहीं लगा नहीं ना? ए, चल गाड़ी में चल, बैठ बैठ बैठ, भाग भाग। खून, पहले दिन तो सोचा था कि प्यार की किश्ती जल्दी से पार हो जाएगी, लेकिन ये किश्ती तो अभी तक यही खड़ी है। ये क्या, मेरा दिल नदी के पानी की तरह शांत था, तुमने आकर उसे झिंझोड़ कर रख दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? जो तुमने जख्म दिया था वो नासूर बनता जा रहा है, उसकी जल्दी से दवाई दे दो। दवाई? हाँ, हम दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं करेंगे क्या? ये लो। ये क्या है? लव लेटर। लव लेटर? किलो के हिसाब से बंडल बांध के दे रही हो? हर महीने एक एक बंडल दूंगी, तुम बिस्तर पर उल्टे लेटकर पूरे महीने पढ़ते रहना। अगर ऐसे पूरे महीने लेटर पढ़ेंगे तो दूसरा काम कब करेंगे? जाओ भी जिस तरह पति से प्यार से बात करते हैं उसी तरह बात कर रही है। देवा कहाँ है? देवा ऑफिस में है। ये लड़की कौन है, यहाँ क्यों आई है? अंजलि, मुझ पर शक मत क्या करो, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए जगह नहीं है। वो तो देवा का मैटर है। हाँ? देवा के बारे में मैटर है? हाँ ना। ये इधर उधर देखकर भाग क्यों गई? ओहो, शायद शर्मा कर चली गई है। ओ, लड़कियों की तरह इसके अंदर भी तो शर्म हया होगी ना, आखिर लड़की है ये भी। हाँ, इसीलिए शर्मा गई, आखिर मुझसे प्यार करती है। कितने प्यार से बोली, जाओ भी। तो तुम्हें गुंडे किडनैप करने आए थे? हाँ भैया। ए, क्या वो ये लोग? हाँ भैया, ये वही लोग हैं। ये लोग यहाँ पर कैसे? ये सब लोग मेरे आदमी हैं। तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। तो बताओ तुम बच कैसे गई? भैया वो, उसका नाम प्रकाश है ना? मैं उसे जानता हूँ। पहली बार मैं उसे बेलापुर बस स्टैंड पर मिला था, तब से मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अच्छा लड़का, अच्छे परिवार से आता है, तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचा सकता है, ये मुझे अभी पता चला। ए पगली, माँ को पता है क्या? माँ ने उसके मम्मी डैडी से भी बात कर ली है। वो यहाँ तक पहुँच गया? थैंक गॉड, ये तो बहन है, मैं तो डर गई थी। हाँ। ए, क्या है? तेरी इतनी बुरी शक्ल को बार बार नमस्ते करता रहूं क्या? ये ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे क्या? क्यों? तुझे नमस्ते कहने के लिए तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो?
वटाने खा रहा हूँ बेवकूफ कहीं। वटाना? वटाना क्या इस तरह से खाते हैं? वटाना ऐसे खाना जैसे लोगों को नमस्ते कर रहा है और इसके बाद वटाना खाता दांत तोड़ूंगा तेरे। क्या हो रहा है, क्या बात है? साहब जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे पैरालिसिस हुआ है, इसलिए मेरे अपने लड़के ने मुझे घर से बाहर हका दिया। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, वटाना खा रहा था, तो साहब ये आके बोलता है तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये अपने पास मदद के लिए आया है और तुम इसे मार रहे हो। आप आइए, आप आज से यहाँ पर रह सकते हैं। ओ लूले के साथ लंगड़ा भी है। वो बंद कर, वो मदद मांगने आया है, तू उसे ही मार रहा है, बेवकूफ कहीं क्या? वही बात वो बोल कर गया, तू वापस क्यों बोल रहा है? तू इको है क्या? जान अपना काम करना साले सुपर। ए, पूरा नाम बोला कर, सुपर सुपर बोला ना कभी तेरा सूप बना करती जाऊंगा। ये क्या है, कोई जाने लगता है तो तू पीछे से उसे गाली देता है और सामने आने के बाद नमस्ते करता है? अबे मैं तेरे को नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, वटाना खा रहा हूँ। अरे कैसा हलकट आदमी है, अनाथ आदमी का वटाना चुरा कर खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? छे, शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अंत में बेइज्जती हो जाती है, अनाथ का वटाना अच्छा तो लगेगा ही। नमस्कार भाई। यहाँ पर सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और ये मुझे नमस्ते कर रहा है। अबे मैं नमस्ते वमस्ते नहीं कर रहा हूँ, बटाना खा रहा हूँ। अबे मैं इतना नीचे करके दिखा रहा हूँ, तू फिर भी उछल रहा है। लिखा मनी भाई, भाई इनका नाम रजिस्टर करके इन्हें हाँ। अच्छा सा रूम दिखा दो। ठीक है। पापा? अरे अरे ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे पापा जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने पापा कहा। पापा जैसे ही है, अब अनजाने में तुमने गलती से इन्हें पापा कह ही दिया है, तो जब तक ये यहाँ रहेंगे तुम इनका ख्याल रखना, ठीक है ना? ये क्या है? बैंड है ये। संभाल के रहना वरना सारे पार्ट बैंड कर दूंगा। पापा यहाँ क्यों आए? तुम्हारी बहुत याद आई बेटी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना मैं? अपनी पहचान किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए तो ये हुलिया बदल कर आया हूँ। अरे दीदी, ओरिजिनल ड्रेस में आना चाहिए था ना। भैया अम्मा आ रही है। सुन, वो यहाँ किस लिए आया, पूछ उससे। माँ, हम दोनों के बीच की बात हम लोग बाद में निपटा लेंगे। मैंने सुना है कि सुशीला की शादी होने वाली है माँ, उसका सगा भाई होने के नाते ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं माँ, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका हमारे घर में आ रहा है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ माँ। हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, उसका भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा करूँगा। ये कुछ पैसे है जो मैंने उसकी शादी के लिए जमा किए थे, इसे ना मत कहना माँ, ये लीजिए। उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, उसकी शादी कैसे करनी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक गुंडे के भरोसे मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। तेरे दिए हुए पैसे से उसकी शादी करने से अच्छा है वो शादी के बिना कुंवारी ही बैठी रहे। वो आपकी बेटी है ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन वो मेरी बहन है ये बात आप क्यों नहीं समझती है? एक माँ होकर अपनी बेटी से ऐसी बात करती हो? अपनी बहन के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे चमचों की तरह नहीं जो चिल्लाने से डर जाऊंगी। अभी तूने ही कहा था ना प्यार फर्ज, अगर तू इन सब रिश्तों को समझता है ना तो तुझे तेरी बहन की शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना तू? तेरे पैसे लेकर इसकी शादी करने से अच्छा है कि मैं इसकी शादी ही ना। बस हो गया माँ, बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, लड़के के घर वालों को मैंने बताया है कि मेरी एक ही लड़की है, मैं भी यही यकीन करती हूँ, तू भी इस बात का ख्याल रख। सर वाटर। थैंक यू। हेलो, तुमने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, कोई एक कंपनी है उसका मालिक तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा है, किसी को भेजकर उसको अपने पास बुलवा लेना चाहिए था ना। भाई ये मेरा खुद का काम है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कितने भी पैसे लगे कितना भी वक्त लगे ये काम खत्म करके ही आऊंगा। यस ओके सर। मिस्टर देवा। एक्सक्यूज मी सर। या अरे आप यहाँ कैसे? सर आप यहाँ कैसे? ये भी मेरी कंपनी है, अन्यायी आश्रम देवा। मैंने तो कुछ और ही समझा था, मगर यहाँ तो कोई गलत काम हो नहीं रहा है। कैसे चल रहा है? अपने फायदे के लिए मैंने पाप किया था, आपने मुझे इंसान बना दिया। मेरी फैक्ट्री के मजदूर बहुत खुशी से काम कर रहे हैं, इसका कारण है आप। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलिए सर, मुझे क्या करना है? Congratulations, sir. MD ने आपको मैनेजर के पोस्ट परमिट की है।
रियली? सच कह रही हूँ सर। ओह गॉड। हे कंग्रेट। थैंक यू थैंक यू। मैं कहूँ सर? सर आपने अचानक मुझे मैनेजर की पोस्ट दे दी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि एक साल बाद में तुम्हें ये पोस्ट देने वाला था, वो आज ही दे दी। नहीं सर, अचानक। क्या कारण है ये मत पूछो। तुम अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे मत करो। देवा नाम का एक आदमी है, उसे शुक्रिया बोलो। सर आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सर एक बात और है, आने वाली 20 तारीख को मेरी शादी है। आप शादी में जरूर आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। श्योर माय बॉय। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। एक मिनट रुकिए, मुझे किसी का इंतजार है। क्या हुआ, क्या बात है बेटा? वीआईपी मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें आने दीजिए। वो कब आएंगे पता नहीं, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। नहीं माँ, वो जब भी आएंगे वही हमारे लिए अच्छा समय होगा। वो आ गए। Excuse me, एक मिनट। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। आइए। सर कैसे हो दोस्त? क्यों दूल्हे राजा, भाई नहीं आएगा ऐसा सोच रहे थे ना? कोई कुछ भी बोले भाई जरूर आता है, बोलने वाले बोलते ही रह जाएंगे। पंडित जी, भाई अपने हाथों से मंगलसूत्र दे दो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। विश यू हैप्पी मैरिज। ए पगली, तू खुश तो है ना? सर इनसे मिले, ये है मेरे मम्मी डैडी। नमस्ते। और ये है मेरी सासू माँ। नमस्ते। इनका नाम देवा है, ये सबकी मदद करते हैं, दिल के बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर, वैसे पूरे शहर में आपका ही नाम है सर। आप मेरी माँ की तरह हो, अपना बेटा समझ कर मुझे आशीर्वाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे कहने पर बिल्कुल समय निकाल कर याद से मेरी शादी में आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। की कोई बात नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए जो आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया। नमस्ते। अच्छा सर नमस्ते, नमस्ते। भाई तुम भी मेरे साथ मार्केट आ रहे हो, ये बात का मुझे भरोसा नहीं था। अच्छा इतना फ्रैंक बात कर रहे हो, धन्यवाद। सुनो तुम अपनी बहन की शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? खुद मुझे नहीं बुलाया था। फिर तुम क्यों गए? बुलाया गया। अभी तो कहा था कि नहीं बुलाया। हाँ नहीं बुलाया था। तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, बुलाया था या नहीं? बुलाया था ये भी सही है, नहीं बुलाया था ये भी सही है। मैं समझ गया, तुमने मुझे नहीं बुलाया इसलिए उल्टा पुल्टा बोलकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ अभी भी तुमने सीधी बात की उसके लिए धन्यवाद। अब मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी बुलाऊं तुम मत आना, इसलिए हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा हो। देखो अलग अलग दिशा में जाने से मुझे फायदा है, तुझे बिल्कुल फायदा नहीं। तू जाकर सब्जी खरीद। सब्जी खरीदने का पैसा अपने पैसे से खरीद लेना। हमेशा सीधी बात करता है, आदमी पर भरोसा नहीं रखता और चिल्लाता है। ये क्या खराब अंडा है? ठीक है चलो अब टमाटर देखते हैं। ये क्या सड़े सड़े टमाटर रखे हुए हो? ये पत्ता गोभी है, ये भी खराब है, ये खाने की चीज लग गई। ये पत्थर है, ये क्या बेचेगा तू? है अब ये नींबू बचा है, इसका क्या? क्या खरीदूं समझ में नहीं आ रहा है। ए जरा पीछे मुड़कर देख, सब्जी खरीदने आया है ना तो सिर्फ सब्जी खरीद, सब्जी उठाकर पीछे मत फेंक। अभी जो सब्जी फेंकी वो आपके चेहरे पर लगी, उसी से चोट लगी है क्या? अरे चुप, क्या कौवे की तरह चिल्ला रहा है? अरे मैं कौवे की तरह चिल्ला रहा हूँ तो ऊपर क्यों देख रहा? देवा देवा हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर बहुत डिस्टरबेंस है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ भाई वो तो गया, आप शुरू करो।
अब तुझे बताता हूँ, ये मेरा एरिया है। अरे ड्रम के अंदर क्यों खड़ा कर दिया? ज्यादा बोल मत। अबे मुझे कपड़े की तरह क्यों धो रहा है? अब दुखते रहे थे कपड़े की तरह। पापी लोग पहले मार्केट छोड़ देते थे, लेकिन आजकल कपड़ा सुखाने वाली क्लिप भी लगा कर जाते हो क्या? अब सूखने के बाद आयरन भी करोगे क्या? धन्यवाद सर, इसके आगे अब आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो बखत बताएगा। सबको धन्यवाद। आइए भाई, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है सुरेश चौहान, नेशनल पार्टी के तुम जनरल सेक्रेटरी बन गए हो। मैं ऐसे कैसे बन सकता था भाई, आपने जेल में बैठे बैठे सब किया, उसी की ये सब देन है भाई, आपकी कृपा है। जीते रहो। ठीक है भाई, अरे घर पे आकर हमसे मिलो ना। हमारे होने वाले मुख्यमंत्री नारायण चंद्र भाई, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री नारायण चंद्र भाई, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री नारायण चंद्र भाई, हमारे होने वाले नमस्ते, कैसे हो? हमने सोचा था कि तू हमसे मिलने के लिए जेल में आओगे, लेकिन तुम इसलिए यहीं पे आया हूँ। हम 3 महीना जेल में थे, 3 महीना, एक दिन भी तुम हमसे मिलने नहीं आए। पार्टी का काम ज्यादा था भाई। अरे जानता हूँ, अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, बैठो। हाँ नहीं, अरे बैठो, खाएंगे। जेल का खाना खा खा कर जीभ का स्वाद बदल गया है। नहीं भाई, मुझे नहीं खाना। इडली खाओ। अरे नहीं बस। हाँ भाई, सामर भी बहुत गर्म है। खाओ खाओ। सुरेश भाई, तुमने सबको बोल दिया कि तुम्हारे साथ हमारा अच्छा संबंध है। उस कमी ने सारे हरामी तुझको क्या लगा कि हम जेल में है तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? हमारे पार्टी के 5,000 लोगों को लेकर रूलिंग पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री पर चाहिए तुमको। 15 साल पहले मंदिर के बाहर बैठकर टोकन देता था जूता चप्पल का, और आज इस शहर में 200 एकड़ जमीन का मालिक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जायदाद है, कई को गाड़ी है। ये सब किसकी वजह से? इस नारायण दत्त की वजह से। और तेरी की हिम्मत कि तू हमारे ही आदमी को हमसे अलग कर रहे हैं? अरे पोंदे, अरे ओ कमिश्नर, हमारे पार्टी के MLA सुरेश चौहान का एनकाउंटर कर दो और उसके पुराने केस को फिर से खोल दो। अरे अरे बाप रे बाप, भाई भाई ऐसा मत करो। नहीं, मैं आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा भाई, आज के बाद। ठीक है, उठ, अब नहीं करेगा ना? नहीं। सुनो कमिश्नर, जो कहा उसे भूल जाओ। जब तक लार मुंह में है उसकी कीमत है, थूक दिया तो बेकार। अब जाओ। साहब जी, मैं आपके 2 आदमी अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट हो गए हैं। तो हमारे आदमी है, जानता है ना? जानता हूँ साहब, इनसे दस्तखत लेकर अभी छोड़ देता हूँ। इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने फोन किया। अच्छा ठीक है, अब जल्दी उनको छोड़ दो, फोन रखो। ए, तुझे क्या चाहिए? कल आया था, आपने आज आने के लिए कहा था, इसलिए आया हूं। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए इसमें हूँ? 4 कमिश्नर, 6 पुलिस स्टेशन, 8 इंस्पेक्टर, 14 सब इंस्पेक्टर और 32 कांस्टेबल, 15 एरिया और 150 केस दिमाग में चल रहा है, समझे? बैठो। अरे भाई, तुम्हारी समस्या क्या है? अगर मेरी लड़की जिंदा रहती तो आज 18 साल की होती। 3 साल पहले एक अमीर जादे ने मेरी बेटी की इज्जत लूटकर मेरे आंखों के सामने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। अरे फ्लैशबैक में मत जाओ, सीधा मुद्दे पर आओ। आपने उसको अरेस्ट किया था, मुझे न्याय देने का वादा भी किया था, लेकिन वो 3 दिन के अंदर छूट गया मेरी बेटी के केस में। उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है ये बताकर आपने छोड़ दिया उसे। मैं आपसे अपनी बेटी वापस नहीं मांग रहा हूँ, उसकी जान के बदले न्याय चाहिए। वो पैसे वाले का बेटा है, पैसा देकर बाहर आ गया। तूने अपने आप को बड़ा समझकर केस किया था ना? अगर तू मेरी बात मान लेता तो कॉम्प्रोमाइज करवाकर तुझे कुछ पैसे दिलवा देता। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे काम है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तू अभी रुक जा, लगता है साहब को जल्दी है कहीं जाना है। और देखो,
शहर के तीन गुंडों को इनकाउंटर में खत्म करने के लिए कमिश्नर ऑफिस से आया है ये लिस्ट। अभी इसमें तेरा नाम नहीं है, इसे खुश मत होना, अभी नहीं है, बाद में आएगा, ये बताने के लिए तुझे बुलाया है। और कुछ बोलना है? रोक दो, सबको रोक दो। गवाह नहीं है ये मत सोचना, पैदा करवाऊंगा। 10 पागलों को आश्रम में रखकर आश्रम चलाने से कोई अच्छा आदमी नहीं बन जाता। वहां अभी तो कोई पागल नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। कहो तो आपका एडमिशन करवा दूं? साहब जी, मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ूंगा और लड़ता ही रहूंगा। बाहर जाकर लड़ो। अभी ये क्या बोलकर गया? पागल। किसको? आपको। ए स्नेहा, जब तक तेरे हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? यही है ना? तीन साल से आपको न्याय नहीं मिला ना, अभी आपको न्याय मांगने की जरूरत ही नहीं। न्याय आपके हाथ में है, अब बस फैसला सुनाओ। अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल गई। कानून हार सकता है, हम नहीं हारेंगे। जब कभी जरूरत पड़े आकर मिला। मेरा नाम देवा है। सर, बाहर आकर देखिए सर। टू मिस्टर ईश्वर पांडियन, R2 पुलिस स्टेशन। ओपन करो। वही है, सचमुच वही है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वही है। ए भोला, देवा ने मुझे वापस बेवकूफ बना दिया। सर, देवा तो आपको हमेशा ही बेवकूफ बनाता रहता है। एक दूंगा तुझे। ये मजाक है क्या? उसने हमारी औकात दिखा दी कि हमारा डिपार्टमेंट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं देवा बोल रहा हूँ, कुछ बात करनी थी आपसे। देख लूंगा तुझे। हाँ बोल। आपके राज्य में अगर कुछ भी होता है तो आपको लगता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ? अभी अभी आपके पुलिस स्टेशन में एक डेड बॉडी आकर पड़ी होगी, अभी इसके लिए अभी मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऐसा आप सोचेंगे? इससे पहले मैंने आपको फोन कर दिया। देखो, मैं बेकसूर हूँ। तुम क्या बोलना चाह रहे हो मैं जानता हूं। बिना घर के गृह प्रवेश करना, बिना रोड की गाड़ी चलाना, बिना खेत के खेती करना, ये सब तुम्हारा काम है। मैं जड़ के अंदर घुसकर जड़ काट दूंगा। तुम ये खेल किससे खेलो? ये खेल देखना, मैं जरूर जीतूंगा। ये खेल है और आप बिना सोचे समझे इसे खेलने की कोशिश कर रहे हो। अब पगार ले रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना अच्छा होगा। एनीवेज, हैव अ पीसफुल डे एंड सी यू सून। सी यू।
सी यू। ए, इस मोड़ पे सिग्नल की क्या जरूरत है? यहाँ क्या लिखा है? मुड़ने से पहले सिग्नल दो। हाँ तो बस, मुड़ने के पहले मैंने सिग्नल दे दिया। थैंक यू। अब तो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? मुझे मारते समय लगातार लगातार छुआ ना, तुम मुझे छूना चाहती हो लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। हे भगवान, इस शहर में सबसे मार खाने से तो अच्छा एक लड़की से मार खाया। वाह वाह हो गया, अभी तो सब अच्छा था, अब क्या हुआ? अंजलि और देवा का लव मैटर मुझे लगता है सब झूठ है। मैं भी यही कहना चाहती थी, आप सही कह रहे हो। इसमें शक की क्या बात है, हम देवा से पूछ लेंगे। वाह रे वाह, जिनके खुद के जिंदगी का पहिया हिल गया है वो बुढ़ी औरतें मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी से खेलेंगे लग रहा है। सुनो, अंजलि और देवा के बीच में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए आप सबका दिल विचलित हो रहा है। आप चिंता मत करो, मैं इस मैटर को ओपन कर रहा हूँ। ये देखो, थोड़ा जूम करो। क्या जूम कर रहा है? मैं भी विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ चुकी हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें कुछ गोलमाल किया है। ये किसकी परमिशन से मेरे लैपटॉप को हाथ? ए, सिर्फ 30 लोगों को देकर बाकी सब अंदर कर दे। शाम को लॉरी आएगी तो हम उसमें सब लोड कर देंगे। ये दीपावली हम धूमधाम से मनाएंगे। उधर देखिए। लेने को तो वो नहीं आता है, उसके जाने का सबको दे दो। जाने के बाद तुम एक काम करना, नो स्टॉक का बोर्ड लगा देना। लास्ट में चला गया। देते क्या? आपकी मिट्टी का तेल खत्म हो गया भाई, सचमुच में घासलेट खत्म हो गया। सिर्फ तुम लोग दीपावली मनाओगे, बाकी सब क्या भीख मांगेंगे? सबको जीने का हक है, तुम जैसे लोगों की वजह से सरकार बदनाम है। अगर आइंदा ऐसी करती थी तो एक बात याद रखना, दुकान यही रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगे। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भाई। नहीं देना है तो मत दो, नहीं तो इस लड्डू को लेकर पीछे से जाओ। ये क्या मुंह के सामने लाते हो और फिर पीछे ले जाते हो लड्डू को? पागल, मेरी चाल ही ऐसी है। ओहो हो, चाल ही ऐसी है, मैं तो भूल गया था। अच्छा एक बात सुनो मेरी ना, तुम एक छोटी सी मदद करोगे? हाँ, यहाँ ना अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की घूम रही है, उसको क्या तुम मुझसे मिलवाओगे क्या? अंजलि से मिलने की बात कर रहे हो तुम? अरे तुझसे नहीं बे, मुझसे मिलाने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अबे तेरी बेटी को मांग लिया ऐसा क्यों कूद रहा है? सुनना, तू मुझे उससे मिलवाएगा तो मैं तुझे तेरी उम्र की औरत से मिलवा दूंगा। जरा इसे पकड़, यहाँ दो। अबे पागल हो गया क्या? दाएं बाएं हाथ से बुक्का क्यों मार रहा है? ए, दोनों हाथों से बुक्का बना दूंगा तुम्हारा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। तेरे एक हाथ को तो लगवा मारा था ना? अरे ये हाथ नहीं, वो हाथ। मुझे पता है कौन सा हाथ, तुम जाओ। थाली दे दो मुझे। हर समय तो कहता है इस हाथ में लगवा मारा हुआ है, लेकिन मुझे मारते वक्त इसके बॉडी के सारे पार्ट ठीक हो जाते हैं। भाई इस साड़ी को अलग से रख देना। क्यों बेटी, लाइन में खड़ी होकर साड़ी लेने की बजाय यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे जो मिलने वाला है, जो देने वाला है, वो खुद ही आकर मुझे दे देगा। आप जरा संभालिए, मैं ठीक है बना दूँ।
अच्छा अपना मुंह बंद करो। अरे अरे धक्का क्यों दे रही है? किसको कह रही हो आप? सब लोग उसे सर पर लेकर नाच रहे हैं। मैं उस देवा की बात कर रही हूं। देवा को? उसने ऐसा क्या किया? हम सब एक परिवार बोलकर अंदर एक और परिवार के साथ जी रहा है। वो एक गुंडा है, ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन लड़की के मामले में वो इतना गिर जाएगा, ये मुझे आज पता चला है। बकवास बंद कर। मेरे बेटे के बारे में बोलने की तेरी क्या औकात है? उसके बारे में क्या जानती है तू? अगर उसके दिल में कुछ नहीं होता तो वो यहाँ सबके सामने उसे साड़ी दे देता। वहाँ अंदर अलग से क्यों दिया? मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैं पागल नहीं हूँ नानी, मेरे पास भी दिमाग है। अच्छी बात है, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ज्यादा दिमाग है, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। अभी तुम उसे गुंडा कह रही थी ना, लेकिन जिस गुंडे को उसने शूट किया उसका नाम था हीरा, उसकी वाइफ है वो। उस हीरा की गलती की वजह से उसकी वाइफ को एड्स की बीमारी हो गई। उसके परिवार वालों को जैसे ही पता चला, उसको और उसके बच्चे को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देवा ने उस औरत को अपनी बहन की तरह सहारा दिया, और तुम उस पर शक कर रही हो क्योंकि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तुमने इतनी पढ़ाई की है। मुझे ये त्यौहार मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उस औरत ने कहा कि तुम्हें भी सब लोगों की तरह खुश रहने का हक है, और तुम उसे ये गलत कह रही हो। तुम्हारी नज़र में देवा एक गुंडा या मवाली होगा, लेकिन वो एक टीचर है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, माता पिता सभी गुरु पूजना, प्रकृति पर भरोसा रखो, संपत्ति है सपाही संपत्ति है, जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ। बोलो, जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ। मुझे तो नाखून पर लगा है, ऐसे में तूने भी मेहंदी लगा ली है। वो देख तेरा भाई खाना बना रहा है। क्या हो गया अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो? कोई बड़ी रिस्क थोड़ी ले रहा हूँ, लगे रहे दोस्त की मेहंदी। शंख आग में जले तो उसकी सफेदी नहीं छूटती, शंख आग में जले तो उसकी सफेदी नहीं छूटती। हो चुकी है, घर जा सकते हो। ट्यूशन खत्म हो चुकी है, घर जा सकते हो। ट्यूशन खत्म हो गई है, अभी घर जाओ। हम जा रहे हैं सर, बाय बाय। हाँ ये लो माँ, खाओ। इसको क्या हो गया अचानक से? आपको तीखा लगा क्या? मैं खाता देखता हूँ। अरे माँ, इतना तीखा होने के बावजूद आपने कैसे खाया? मेरे बेटे का हाथ का निवाला है, वो कैसा भी हो मेरे लिए अमृत है। माँ, पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाडला है, इसलिए उस तीखे खाने को भी अच्छी तरह खा रही थी। माँ अभी आ रही हूँ। अगले मैं चलता हूँ। हाँ, भैया आते समय मेरे लिए मोतियों की माला लाना मत भूलना। हाँ ए, वो त्रिची में पेपर करेक्शन के लिए जा रहा है, तेरी मोती की माला लाने के लिए नहीं। चलता हूँ। जीतते रहो, रुको। ठीक है माँ, चल रहे। समझता है भैया। आइए सर, एग्जाम पेपर के करेक्शन पर ही आपके दर्शन होते हैं। जल्दी जाएंगे तो हम बस पकड़ सकते हैं। सर। हाँ? क्या हुआ? मेरे काम का क्या हुआ? मैंने कर दिया है,
अच्छा तो नंबर लेने के बाद भी फेल कर दिया मेरे भाई। सुनो, मैं तो तुमसे नंबर लेकर ही गया था ना। पेपर करेक्शन करते समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो अगर एक दो पैराग्राफ भी लिखता तो मैं एक दो नंबर देकर उसे पास कर देता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसे अंडा दे दिया है, उसे धंधा करने के लिए कहो। ए टीचर, कर दी ना गलती। मेरे अंदर एक गंदी आदत है, जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता, समझे? टीचर को तुम क्या समझ रहे हो? चला दूंगा। माता पिता गुरु और भगवान शिक्षा देने वाला ऊपर वाले की तरह है। ऊपर वाले को अगर बनाने आता है तो गार्ड ने दिया था। मेरी स्टेट से सेंटर तक पहचान है। वापस बोलो। मेरी स्टेट से लेकर सेंटर तक पहचान। कम का पास्ट टेंस क्या होता है तुम बताओ? केम। केम, गुड। इसका पास्ट टेंस क्या है? वाज। गुड। ओहो देवा सर। बोलिए सर। ये आंगनवाड़ी में आया का काम कर रही है। जानता हूँ। ये आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आई है। बोलिए बहन जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पुलिस के हवाले करेंगे तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आप इस छोटी सी बात को बड़ा मत करिए। छोटी सी बात है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। टीचर होकर ऐसे घिनौने। जाने दो माँ, ये स्कूल नहीं तो मेरे हजारों स्कूल है। अच्छा, हजारों स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ भी कोई गलती करेगा तुम उसे भी मारोगे। कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम्हें पता है ना उस बच्चे के साथ क्या हुआ था? देखो माँ, ये सब देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए मैंने उसका खून नहीं किया। क्यों, वो भी करके जेल जाना चाहिए था ना? क्या माँ, आप भी, आपको गर्व होना चाहिए कि आप देवा की माँ हैं। आप उस पर नाराज हो रही हैं। देखिए, मैं एक मामूली सी माँ हूँ। मेरा लड़का एक अच्छा टीचर बने, मेरे लिए यही अच्छा है। मैं इस तरह का नहीं हूँ। रोज टिफिन बॉक्स में खाना लेकर जाओ, महीने के अंत में तनख्वाह का इंतजार करो। किसी को भी कोई भी गलती करने दो, किसी को भी मरने दो, मैं ऐसे नहीं रह सकता। माँ जो अन्याय करेगा मैं उसे मारूंगा, मैं इसे गलत नहीं समझता। तुझे माँ चाहिए तो मारपीट बंद कर दे, और अगर मारधाड़ी करनी है तो हमें छोड़ना होगा। इधर आओ। देखो माँ, हमारे घर में भी एक लड़की है, अगर इसके साथ ऐसा हो जाए तो। आप कौन? यहाँ देवा कौन है? भाई हैं, लेकिन आप? मेरा नाम मदन मोहन है, जय माता बाल मंदिर में मैं टीचर हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए सर। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ 518 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा एक से लेकर के पांचवीं तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं और सुरक्षा भी नहीं है। मैंने कई बार मैनेजमेंट को लेटर लिखा और बोला भी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें। ठीक है, तो पिटीशन दे दो। ये लीजिए सर।
दे दिया ना, अब जाओ। ठीक है सर। पागल कहीं का, मुझे सिखाने आता है, क्या करना है मुझे पता है। सर मैं अपनी फाइल भूल गया। सर आप ही ध्यान देख रहे हो, इससे पहले जो भी पिटीशन दिया है उसको मैंने ऐसे ही फाड़ा है, चले। अरे ये क्या? और आगे जो भी दोगे उसको भी मैं ऐसे ही फाड़ूंगा, समझा? तुम्हें जो करना है कर लो तुम। सर वो सिर्फ पैसा देखता है, बच्चों की सुरक्षा नहीं। ये सारी शिकायत मैं किससे करूं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर आपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया जब मैंने ये सुना। सर आप स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ही नहीं है, बल्कि गलती करने वालों को आप सजा भी दिलाते हैं। सर अगर आप हमारा साथ दें तो उस अधिकारी को हम सजा भी दिला सकते हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं एक मामूली टीचर हूँ, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए मेरी विनती है आपका ही और चाहिए। आप हमारा साथ देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे अपने कुछ उसूल है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए, आप जा सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को सजा देने वाला कोई आदमी है, बड़े भरोसे के साथ आया था। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूं। आज की ताजा खबर, जय माता बाल मंदिर स्कूल में आग लगने की वजह से 48 बच्चे जलकर मर गए हैं और 200 बच्चे घायल हैं। उन बच्चों को मलबे से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, लेकिन बच्चों की पहचान होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उनके माता पिता अपने अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके माँ बाप एजुकेशन डिपार्टमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन ये आग लगने की वजह अब तक समझ में नहीं आई है। हमारे संवाददाता और हमारे कैमरामैन वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की स्थिति आपको बता रहे हैं। सर अब आप तो खुश है ना? 48 बच्चे जल गए, 200 बच्चे घायल हैं जो बहुत जला रहे हैं। 4 दिन के बाद जाके स्कूल में मोमबत्ती जलाना, क्या आप लोग उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को सजा नहीं दिला सकते जो लोगों से पैसे लेकर के एक स्कूल का लाइसेंस देता है? तुम्हें और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं पहले भी आपके पास यही शिकायत लेकर के आया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आज वे बच्चे जल के राख नहीं हुए होते। इसकी बातों में क्या गलती है? उन बच्चों के मरने का कारण सिर्फ यही नहीं है, तुम भी हो। अन्याय होता है वहाँ न्याय करने की ताकत ऊपर वाला सबको नहीं देता, तुम्हारे जैसे एक दो को ही देता है। इतनी ताकत होने के बाद भी तुमने उन्हें न्याय नहीं दिलाया, यही इंसानियत है? बस ये बात यही खत्म नहीं होती। उस भ्रष्ट अधिकारी ने पैसा लेकर के बहुत से स्कूलों को लाइसेंस दिया है, सब एक एक करके चलेंगे। आप चाय पीते रहिए और टीवी देखिए। नमस्कार। एक मिनट रुको, उस अधिकारी का नाम क्या है? रमेश। मैं खुद घटनास्थल पे गया हूँ, वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है किसकी गलती है मैं बताता हूँ। क्या करेगा तू? आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कुछ भी छोड़ना नहीं। मैंने इस अधिकारी को क्यों मारा है पता है? 48 बच्चों के मौत का कारण ये इडियट है। एसी रूम में बैठकर रिश्वत लेकर चंद पेपर पर तुमने साइन कर दिया और उसी वजह से 48 बच्चों की मौत हो गई। बता मुझे, तुमने लोगों से रिश्वत लेकर रिकग्निशन ऑर्डर पे साइन किया था है ना? बता मुझे, बता। वहां पर जाके बोल जा। मैंने रिश्वत लेकर उस स्कूल का रिकग्निशन लेटर मैंने ही दिया था। सुना आपने? और ये सिर्फ इस अधिकारी की गलती नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से इसके जैसे कई और अधिकारी शामिल हैं, और आज आपको पता चलेगा और कितने अधिकारी हैं। चलो डबे, ध्यान से सुनिए। हमारी सरकार ने ये नियम बनाया है कि हर एक स्कूल की एक एक बिल्डिंग होनी चाहिए और उस बिल्डिंग में होना चाहिए आरसीसी रूम। स्कूल में कम से कम 2 गेट होने चाहिए। बिल्डिंग सही है या नहीं है देखने के लिए ऑफिसर आना चाहिए। वो ऑफिसर इस बिल्डिंग का ऊपर से नीचे तक इंस्पेक्शन करेगा। कलेक्टर एक इंजीनियर भी भेज सकता है
फिर वो इंजीनियर स्कूल में आएगा और स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा और 3 साल के लिए बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट देने वाला ये इडियट इंजीनियर है। और इस भले मानस ने रिश्वत खाकर बिना इंस्पेक्शन किए सर्टिफिकेट दे दिया, जो मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर, ये सच है। अब नंबर दो, तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो। हाँ मैं हूँ। चलो इंजीनियर के दिए हुए बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर बिल्डिंग लाइसेंस लेते हैं। उसके लिए तहसीलदार ऑफिस से एक रेवेन्यू ऑफिसर लगता है, तू ही वो ऑफिसर है ना? एक बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट तहसीलदार ऑफिस में जमा करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, लेकिन इसमें रिश्वत ली। बता क्या किया, छोटा रिपोर्ट सबमिट किया, बता। हाँ सर, मैंने रिश्वत ली है, ये सच है सर। हाँ मैं तहसीलदार बोल रहा हूँ, पहले कवर भेजो फिर बाद में बात करूंगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शिक्षा। झूठा रिपोर्ट सबमिट किया रेवेन्यू ऑफिसर ने, तो उसे सजा इस तहसीलदार ने देनी चाहिए। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि इसने भी रिश्वत लेकर उन्हें लाइसेंस दे दिया। बता। 2 लाख रुपया रिश्वत लेकर मैंने ही सर्टिफिकेट दिया था। अगला आदमी, यू आर हेल्थ ऑफिसर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट जॉइंट डायरेक्टर। आजा, बच्चों की सैनिटरी फैसिलिटी और स्वच्छ हवा, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। पीने का पानी, खाने की चीजें, ये सब अच्छे है या नहीं ये जांच कर ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन अपने घर में बैठकर बिना स्कूल का इंस्पेक्शन किए ये लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। क्यों देता है ना, देता है ना, बोल। चल तुमको भी बताओ क्यों भाई, हमने रिश्वत ली है। बस इतने ही नहीं, अभी और भी है। अपना टेप बदल दो। फायर सर्विस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए ऐसी कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? स्कूल में आग बुझाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, अगर आग लगे तो बुझाने के लिए पानी की सुविधा, बाइक पार्टी में मिट्टी। जले हुए स्कूल में ये सब था? तूने ये सब कहाँ देखा होगा? तूने तो सिर्फ पैसा देखा होगा। अभी और भी है। मैं डीईओ, एक स्कूल अच्छी तरह चल रहा है या नहीं, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, टीचर ठीक से पढ़ाते हैं या नहीं, ये सब मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। डीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे जो अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं वो देखना मैं भूल गया, मुझे माफ कीजिए। ये सब अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इन सारे अधिकारियों को रिश्वत देने के अलावा जिस क्लास में सिर्फ 25 बच्चे होने चाहिए थे, डोनेशन ले लेकर हर क्लास में 60 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। यह है स्कूल का मैनेजमेंट, और इसमें शामिल होते हैं स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। ऐसे रिश्वतखोर लोगों की जान लेकर हम स्कूल के बच्चों की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। स्कूल में कोई भी सुविधा ना हो उस स्कूल को सेंट्रल मिनिस्टर का रेकमेंड करना पूरी तरह से गलत है। मैं सरकार गलत है ये साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे अधिकारी जो सरकारी नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते, मेरे हिसाब से इसमें कलेक्टर भी शामिल है। हेलो, कौन है आप? बाहर चलिए। चल हट। इस लिस्ट में उन रिश्वतखोर 15 अधिकारियों का नाम है जिनकी गैर जिम्मेदारियों ने 48 बच्चों की जान ली, और आप इस जिला के कलेक्टर हो। ऐसे अधिकारियों की गलतियों को माफ करना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। लोग सरकार पर भरोसा करते हैं और सरकार आप जैसे लोगों पर भरोसा करती है, लेकिन आप इन दोनों को धोखा देते हैं। लेकिन अगर इससे आगे आपने ऐसा ही करने की कोशिश की तो आप कलेक्टर हो या उससे कोई ऊपर वाला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। You will face the consequences. हटो 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 हट जाओ। मिस्टर देवा, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। क्या सच्चाई का साथ देना गलत है जो आप एक अच्छे आदमी से सवाल कर रहे हैं? अरेस्ट उसके लिए नहीं है। एक डीईओ का खून हुआ है, उसकी वजह से गिरफ्तार किया है एक स्कूल टीचर को। डीईओ के पेट में चोट लगी, उस चोट की वजह से उसकी मौत हो गई, वो मर गया। उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। अरेस्ट किए हुए टीचर का नाम देवा बताया जाता है। अधिक जानकारी के लिए पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले रखा है। स्कूल टीचर देवा एक खूनी है, लेकिन उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। उसने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई की है और इंसाफ करते हुए डीईओ मारा गया, इसलिए अदालत इस केस में देवा को 3 साल की सजा सुनाती है। भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गलती करने वालों को सजा देने की ताकत सबको नहीं मिलती। ताकत होने पर भी जो अन्याय से नहीं लड़ता, तुम्हारे जीवन का एक अर्थ है। तुमने एक अच्छा काम किया है, और जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उन्हें माँ ने क्या कहा? ये सारे शहर वालों के लिए तुम अच्छे हो, माँ की नजर में तुम खूनी हो। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, ये शहर छोड़कर चली गई।
देवा के जेल से छूटने के बाद सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, लेकिन जो सही है वो काम कर रहा था। देवा अपनी माँ को ढूंढने के लिए चेन्नई आया था। उसकी माँ मिली लेकिन उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। तब उसने अनाथाश्रम शुरू कर दिया। जल्दबाजी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे और नाटक नहीं कर सकता, नहीं तो सच में मेरे हाथ पर ऐसे हो जाएंगे। मुझे वही डर है। क्या आपने नाटक किया? पहले आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। ये जो अंजलि है वो अनाथ नहीं है, वो बेटी है मेरी। हाँ? ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों किया? वैसे भी इस लड़की की क्या गलती है? प्यार के लिए तो झूठ बोला है ना। तुम्हें इससे अच्छी दूसरी लड़की नहीं मिल सकती। अगर आपने अंजलि आंटी को यहाँ से भेज दिया तो हम लोग कल से खाना नहीं खाएंगे। अगर इसे नहीं अपनाएगा तो हम सब चले जाएंगे। बाप होने के बाद भी एक लड़की तुम्हारे अनाथ आश्रम में रह रही है, इसी बात से पता चलता है कि वो तुम्हें कितना चाहती है। क्या बेटा चुपचाप चले जा रहे हो? इन सबके कहने के बावजूद आप उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अंजलि पसंद नहीं है, ऐसा मैंने थोड़ी कहा। बोलो तो सही। अभी पहले स्वीट खा लो अनिल भाई। किसके लिए? आज हमारी अंजलि का लव मैटर क्यों हो गया? इस बात को तुम्हें पहले से जानते हो? इस बात का मुझे अभी पता चला है। क्या पता चला? अंजलि देवा से प्यार करती है। बाप रे बाप, आप लोग मिठाई खिला के ऊपर से बॉम्ब रख दिया। इससे क्या हुआ अनिल जी? कौन है? मैंने अपने प्यार के लिए आपका मिसयूज कर दिया। अब सॉरी भैया। हाँ? पापी की बेटी हो तुम, जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। चाचा भाई बाबा सब कहोगे। मैंने तुम्हें हिरण की तरह पाल के रखा और तुमने मुझे बकरा बना दिया। मैं बलि का बकरा बन गया हूँ। ऐसी गलती आप लोग मत करना। कौन है? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। गोद में उठाओ ना। गोद में उठाऊं? क्या बात है मेरी बच्ची। मामा, आपको उल्लू आया। माँ जी। अरे ये क्या कर रहे हैं, उठिए। नमस्ते माँ जी। मेरी भी एक लड़की थी, उसको एक पैसे वाले पापी ने उसकी इज्जत लूट कर मार दिया। 3 साल से मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा था, लेकिन आपके बेटे ने 3 मिनट में इंसाफ दिला दिया। लोग इंसाफ के लिए आपके बेटे के पास ही आते हैं। हमें आप पे गर्व है माँ जी, आपने एक बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म दिया है। भगवान आपका भला करे। एक एक दिन का एक एक पत्थर इकट्ठा करके अपने प्यार का घोंसला बनाया था। जब मैं होश में नहीं था उस समय दूसरा उस घोंसले में घुसकर उसमें कब्जा कर लिया। ये कहां का न्याय है? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ये अपने आप को बहुत बड़ी लता मंगेशकर और आशा भोसले समझती है, पागल कहीं की। हाय अनिल। ये आ गया जले पे नमक छिड़कने। कहाँ जा रहे? जाने की सोच रहा हूँ और ये जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर? तुमने तो हमारी जोड़ी बनने नहीं दी। लगता है तू आजकल बहुत ज्यादा खुश है। मैं इतना दुखी होके बैठा हूँ और इसे मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है तो बता क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो तुम ही हो। सुन दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो मुझे बताओ। तुम दोस्त हो? हाथ में आया हुआ मुंह तक नहीं आने दिया। तुम एक धोखेबाज हो। ये मुर्गी की तरह गर्दन क्यों हिला रहे हो? जो कुछ भी दिल के अंदर है मुझे ठीक से बताओ। ऐसे मन के अंदर बात करते रहोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा? अगर ऐसा करोगे तो एक दिन उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी? तो बताओ क्या है तुम्हारे दिल के अंदर? मैं तुम्हारे कहने पर अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मेरा मुंह खुलवा के ये कहाँ जा रहा है? मुझे यहाँ पर क्या टाइम पास के लिए रखा गया है? ए, मेरा जीजा यहाँ पर अचानक कैसे आना हुआ? भाई हम तीनों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तीनों को मतलब? इसका मतलब है आप मामा बनने वाले हैं। माय गॉड, मैं मामा बनने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशन। मिठाई कहाँ है? लाई हूँ ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तुझे बदलने को कहा था लेकिन आज मैं ही बदल गई हूँ। आज मैं समझ गई हूँ
कि मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा एक अच्छा टीचर है। तूने कितने लोगों की दुआएं ली है बेटा, मुझे माफ कर दे। क्या कह रही है, ऐसा थोड़ी कभी होता है। पहले अंजलि, पीछे पीछे उसका बाप, फिर बहन, बहन का पति, उसके बाद माँ। अब क्या करूं, मैं आगे इस आश्रम में रहूंगा तो मुझे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, मुझे बोरिया बिस्तर बांध के गांव जाना पड़ेगा। बोलो। साहब जी, आपके काम करने के लिए एक आदमी है, नॉर्थ मद्रास का नंबर वन दादा, जल्दी काम के लिए हाँ नहीं करेगा। हाँ कर दिया तो जीत पक्की है, अंधविश्वासी है, दुश्मन को खत्म कर देगा लेकिन एविडेंस नहीं छोड़ेगा। अगर उसने ये काम कर दिया तो कोई भी आप पर शक नहीं कर सकता। नाम है देवा। बात खत्म हो गई ना, बाकी हम संभाल लेंगे। बोला देवा को इसमें क्यों फंसाया है, तुझे कुछ समझ में आया? नहीं समझा। अगर देवा इस काम के लिए नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग खुद देवा को मार देंगे। मैं देवा का केस क्लोज कर दूंगा, और अगर मान लिया तो जो संबंध है उसको गवाह बनाकर देवा को पकड़कर गली में घसीट घसीट कर उसको खींच कर लाकर फांसी पर लटका दूंगा मैं। पत्थर एक है, ऊपर फेंकोगे लगेगा नहीं, आम गिरेगा। एसी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर जानता हूँ, लेकिन एग्मर क्रिमिनल आप है यह जान गया। ए भोला, एसी का मतलब ऑलवेज क्लेवर है ना, समझ गया ना? हा? देखना इस बार मिठाई मैं खाऊंगा और तेरी तरह नाखून मुंह से चबाएगा वो बेवकूफ। टिकट 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 काला दे दो। हाँ हाँ, ये लो बाकी का 2.5 रुपया। रुको जरा रुको। हाँ टिकट 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 डेपो तक जाना पड़ेगा क्या? हाँ कहाँ जाना, किसको बोलो, और किसी को बाकी है टिकट का? हाँ मेरा बैलेंस। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ठीक है सर, देगा या नहीं देगा, कहीं ये खा तो नहीं जाएगा। टिकट 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 टिकट। ए टिकट लिया कि नहीं? कितनी बार टिकट लेगा बे? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ टिकट टिकट टिकट। मेरा बैलेंस अबे देता हूँ ना, तुझे दिमाग है कि नहीं? खाना या घास खाना? मैं तो अपना बाकी पैसा मांग रहा हूँ, खामखा क्यों गुस्सा हो रहे हो? समझता नहीं है पागल कहीं का। अपना पैसा मांग रहा हूँ, तू ये कितना गुस्सा हो रहा है यार? एक पाटली पुत्र देना। टिकट मांगकर लेने में शर्म आती है ना? टिकट लेने के लिए तो कह रहा है, पैसा वापस मांगे तो झगड़ा कर रहा है। टिकट 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 क्या है? नहीं आप भूल जाएंगे इसलिए कह रहा हूँ। अबे कौन भूलेगा पागल कहीं का, कौन इस गांव में उतरने वाला है? चार लोग कौन है? ए लो 7.5 रुपए तुम लोग रखो। हाँ। बाकी का 2.5 रुपए इसके मुंह पे फेंक दो, चलो उठ रहे उठ। बाप रे बाप, शर्म की वजह से पैसा दे दिया, नहीं पूछता तो ये देता भी नहीं। अबे चल जल्दी उतर जल्दी उतर। चल चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या है, लगता है तो दूसरी जगह। बाप रे बाप, मैंने पैसा मांगा तो 4 स्टेशन पहले ही उतार दिया, अब क्या करूं? इनसे पैसा लेकर दूसरी बस पकड़कर वापस जाऊंगा क्या? ये लोग क्या वाइन शॉप जा रहे हैं? Cheers! Cheers! यहाँ का माहौल तो अलग ही दिख रहा है, लगता है बिल्ली की पूछ छोड़कर शेर की पूछ पकड़ ली। अरे अबे ये लोग ऐसे भूत की तरह क्यों हंस रहे हैं? पता नहीं ये लोग पैसे देंगे कि नहीं। हाँ बोलो, तुझे कितना पैसा देना है? 2.50 रुपए। चल तू पूछ। हाँ बोल बे, तुझे कितने पैसे देने हैं? 2.50 रुपए। चल तू पूछ अभी। तुझे कितना पैसा देना है? 2.50 रुपए। तू पूछ कितना पैसा देना है? 2.50 रुपए। उससे 2.5 रुपया, इससे 2.5 रुपया, इससे 2.5 रुपया, इससे 2.5 रुपया, मतलब पूरे 10 रुपए तुम्हें देने हैं। अरे बाप रे, मैंने ऐसा नहीं कहा। चल उठा रहे, लगता है आज का दिन इनके साथ बिताना पड़ेगा। तो कितने पैसे देने हैं? समस्या आई, हमने उसे सॉल्व किया, हमने किसी से मदद नहीं मांगी, आज मांगना जरूरी है क्या? सुनो भाई, वो पैसा ज्यादा दे रहा है, उस पैसे से आश्रम का बहुत भला हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे हो देवा, बैठो भाई। नॉर्थ मद्रास का शेर देवा। काम की बात करो। चेन्नई शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब में बम रखना होगा।
ये सभी एक ही समय में फटने चाहिए। इस काम को तुम करोगे, पैसों की चिंता मत करो, जितना चाहिए उतना मिलेगा। क्या सोच रहे हो? मैंने तो तुम्हें मंदिर में भी बम रखने के लिए कहा, मस्जिद में भी रखने के लिए कहा, चर्च में भी रखने के लिए कहा। ऐसा करने पर लोग एक दूसरे पर शक करेंगे, कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे से लड़ेंगे, और अगर ये तुम काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम नहीं करना चाहोगे तो भाई करेगा, मैंने बता दिया। इस देश में रहने वाला हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग इंडियंस हैं, तुम लोगों को छोड़कर। कई सालों की तलाश के बाद सीबीआई और सीआईडी वालों ने मुंबई के दो आतंकवादियों को चेन्नई में रहस्यमय ढंग से मार गिराया, जिनके नाम है दिलशाद अनवर खान और गुलजार अहमद सिद्दीकी। ये दोनों मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, ऐसा पुलिस ने पूछताछ से पता किया है। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सबको सही तरह से चेक किया था, लेकिन देवा ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था। मुंबई से आए हुए हमारे दो लोग मारे गए, सर हमें एक चांस मत दीजिए। चुप हो जाओ, अभी हम गवर्नर के घर के फंक्शन में हैं। नमस्ते, 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 नमस्ते जी। ये मेरी बेटी, कैसे बेटा? और ये मेरा दामाद। नमस्ते, ये पत्र। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद नारायण दत्त जी। कुछ नहीं कर पा रहे हो ना तुम? ए नारायण दत्त, मेरी बात ध्यान से सुन। इस काम के लिए तूने जितने आदमियों को बुलाया है ना, उन सब की मैं अपने देश के लिए बलि चढ़ा दूंगा। तेरा भी नंबर आएगा, कतार में हो। गजरा ले लो, गजरा ले लो भाई। क्या भाई, तुम खंडाला में मेरा साला रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, सफल कर जाना। ठीक है, नमस्ते। बाप रे, चलो सीट तो मिल गई, वो भी विंडो सीट। गजरा लो, गजरा लो, गजरा लो, गजरा लो, गजरा लो, गजरा लो, गजरा लो। खुशबू है भी कि नहीं? देख लो, खुशबू का मैं नहीं चाहिए। ये क्या किया? पैसा निकाल। ये लो, ये लो, जाओ। बाप रे, ये तो डरा डरा के धंधा कर रहा है। गजरा ले लो, 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 गजरा ले लो। ये मेरे पास आके क्यों रुक गया? गजरा ले लो, गजरा ले लो, गजरा ले लो, ये तो मेरे नाक के पास जा रहा है, सुनूंगा तो पैसा मांगेगा। तुझसे किसने गजरा मांगा? चल जा, मदुरई का गजरा लो ना। गजरा बेच रहे हो या मदुरई बेच रहे हो? गजरे को। तो फिर मदुरई किससे पूछ के बेच रहे हो? ये बात है क्या? गजरा, 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 गजरा। बाप रे बाप, उस तरफ चला गया, छोड़ूंगा नहीं। ए भाई, गजरा 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 गजरा। अरे यार, मैंने तुझसे गजरा मांगा क्या? भाई पत्नियों के लिए तो ले लो ना। पत्नियों के लिए? ए, एक पत्नी नहीं है और तू पत्नियों की बात कर रहा है? अबे मेरी शादी नहीं हुई अभी। अरे भाई बस चलने वाले, जल्दी से गजरा ले लो ना। बस चलो, ला दे दे। अरे ले लो, चल अभी फूल से फुटबॉल खेल जा साला। भाई क्या है, हाथ आगे बढ़ाइए, घर में जाकर इसे भाभी को देखकर खुशियां मनाइए। ये बस क्यों बंद पड़ गई? अभी तक तो अच्छी चल रही थी। गजरा। अरे बस थोड़ा सा लेट हो गई ना। क्यों? मैंने ड्राइवर को समझा दिया है। समझा दिया? सुनो, एक सुंदर गजरे को तुमने मिट्टी में फेंक कर गंदा कर दिया, अब सीधी तरह से पैसे दे दे। सुनो, क्यों धंधे वाले को तंग कर रहे हो? क्या ये धंधे वाला है? ये लुटेरा है, सबको डरा डरा के धंधा कर रहा है ये। पैसा दे। ठीक है, कितने का है? 50 रुपया। क्यों? जब पहली बार तुम्हें गजरा मैं दे रहा था तब वो 10 रुपए का था, अब तूने इसे मिट्टी से गंदा कर दिया ना, इसलिए 50 रुपया। ए, ये तो धोखेबाजी है, 40 रुपए ले लो यार। पूरे चाहिए, मैंने पूरे कचरे का बंडल दिया ना। ये लो। कोई बात नहीं, मदुरई कचरा, मदुरई कचरा, मदुरई कचरा। इस तरह फूल बेचने वाला, चकली बेचने वाला, फल बेचने वाला ड्राइवर को अपने हाथ में ले लिया तो हमारे जैसा पैसेंजर तो तकलीफ में पड़ जाएगा। देखा, बस का टिकट का भाव 5 रुपया और फूल का भाव 50 रुपया, आदमी को जबरदस्ती फूल देके जा रहा है। अच्छी पार्टनरशिप है, ये मेंटेन करते रहो। और ये क्या? हाँ? अंदर पेपर का बंडल है, मदुरई गजरा, मदुरई गजरा बोल के लोगों को धोखा दे रहा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा गजरे वाले टकले। कहां पर है? सभी इमरजेंसी वार्ड में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? मिस्टर देवा,
हैवी फूड पॉइजन हो गया है। हमने स्टमक वॉश कर दिया है, फिर भी बहुत लोगों की हालत गंभीर है। जितना भी पैसा खर्च हो जाने दो, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। कैसे हुआ भाई, इसका जिम्मेदार क्या पता? सब लोग हंसते हुए खाना खा रहे थे। स्टोर रूम से लौटते जब मैंने देखा तो सब लोग उल्टियां कर रहे थे। मिस्टर देवा, पेशेंट लक्ष्मी नानी मर गई। हे भगवान। हेलो। हेलो, सुनिए, मैं आश्रम से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। एक बैड न्यूज़ है। क्या है, बोलिए तो। आपकी माँ वो नहीं रही। कब हुआ ये? अच्छा हुआ आपने फोन किया। आज दोपहर को, आप तुरंत आ जाइए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे, आज मंडे है ना, आज तो बहुत मीटिंग्स है। एक काम करना, जो भी कार्यक्रम करने चाहिए वो आप कर लेना, उसके लिए जितना पैसा खर्चा होगा मैं भेज दूंगा। पहले मैं आपको 10,000 भेजता हूँ, इससे नहीं होगा तो आगे पैसे भेजता रहूंगा मैं। हेलो हेलो सर। अबे कुत्ते कमीने, तुझे क्या लगता है बे, मैंने तुझे तेरे पैसे के लिए फोन किया था? बिल्कुल नहीं, मैं चाहता था कि आखिरी बार तू अपनी माँ की शक्ल देख ले। तू उनका अच्छा बेटा नहीं है ये मैं जानता हूँ, मगर इंसानियत तो होगी, लेकिन वो भी नहीं है। आज तेरी माँ की मौत हुई है, कल तेरी भी मौत होगी, और फिर तुझे भी। कोई देखने नहीं आएगा। घर तक रिश्ता, राली तक औरत आती है, जंगल तक लड़का, आखिर तक कौन आएगा, ये कवि कन्नदासन ने लिखा है। लेकिन आजकल तो जंगल तक भी लड़का आने को तैयार नहीं। अनाथ की तरह आए थे, अगर हमें कुछ हो गया तो कौन देखेगा? हम अनाथ की तरह मरना नहीं चाहते। भाई, हेलो। तेरे सामने जो बॉडी जल रहा है ना, वो फूड पॉइजन से नहीं मरा है। हमारे आदमी आश्रम के खाना में कीड़े मारने वाली दवा मिला दिए थे। हम नारायण दत्त, अभी तो हमने तुमको खाली एक सैंपल दिखाया। समझ जाओगे तो ये आखिरी जान होगी, और नहीं समझे तो कोई नहीं बचेगा। जब आश्रम चलाने वाले को इतना चर्बी है तो हम तो भाई राज्य चलाने वाला हूँ, हमको कितना चर्बी होगा। अस्थि को जल में बहाओ और सुधर जाओ। क्या बात है, हम तो तुमको कुछ और समझे थे। कोई बात नहीं, तू तो बहुत चालाक, लेकिन तुम हमको कम चालाक समझ बैठे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। देवा, हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहीं पे खत्म हो गया, इसीलिए हम तुमको अपने बगीचे में दफना रहे हैं। सबको शमशान में दफनाते हैं, मगर तुमको हम अपने बगीचे में दफना रहे हैं। जाओ। अंदर अंधेरे में तुम अपनी जान जाते देख नहीं पाओगे ना, इसीलिए टॉर्च लो और खुशी से जाओ।
में देवा को दफनाया तो वो जिंदा है। दफनाया? वो आदमी जिंदा कैसे हो गया रे? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसे ढाबे में देखा था साहब जी। अरे तो हमको कहां है बता रहा है, उसको वहीं खत्म कर दो। मुझे खत्म करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। मैं बीज हूं, दफनाओगे तो जमीन फाड़ कर बाहर आ जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं? उस देवा को इनकाउंटर में खत्म करने को कह रहा हूं। आप सोच कर रहे हो आज तू सिटी कमिश्नर किसकी वजह से बना है? नारायण दत्त की वजह से। हम तुम्हें कमिश्नर इसीलिए बनवाए हैं ताकि तू हमारे काम आ सके। आपको ही उसे मारना चाहिए था। अरे वो ज्वालामुखी है, उस पर सामने से वार करके कोई नहीं जीत सकता। ओके, देवा का एनकाउंटर कर दो। किस बेसिस पर हम उसका एनकाउंटर करेंगे सर? वो बहुत दिमाग वाला है, वो कोई भी खून करता है तो उसका सबूत नहीं छोड़ता है। आपको पता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर दर्ज नहीं है। सुनो ईश्वर पांडे, एफआईआर नहीं है तो क्या हुआ? बनाओ एफआईआर। पुलिस रिकॉर्ड में अगर उसका एफआईआर नहीं है तो बनाओ, बनाओ एफआईआर। उसने जो खून किया है और जो नहीं किया है उसका भी एफआईआर दर्ज करो। साहब जी आपने बोल दिया ना, अब देवा बच नहीं पाएगा। क्या करना है मुझे सब पता है। हमारा काम जल्दी करो, देवा इनकाउंटर में मरना चाहिए। क्या है? यस सर, सर ह्यूमन राइट कमीशन के 5 लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैंने आप लोगों को किडनैप किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम ईश्वर पांडियन आईपीएस। 8 साल पहले आईपीएस एग्जाम में ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में से आईपीएस बना था। एक आम आदमी की तरह मेरे अंदर भी एक जुनून था। मैं ट्रिची में पहली बार ज्वाइंट असिस्टेंट कमिश्नर में लग गया था। पहली बार मेरे हाथ में पासपोर्ट का केस आया था। काम के बहाने वो जाली पासपोर्ट बनवाकर आतंकवादियों को बाहर भेजता था, जिससे इंडिया को काफी नुकसान होता था। उसको अरेस्ट करके हमने कस्टडी में इंक्वायरी की। बोलो, पहले तुम मुझे कोर्ट में पेश करो। फोन मत उठाओ। पुलिस स्टेशन में किसी से पूछताछ करते समय किसी का फोन आया तो समझ लो इस प्यारे को छुड़ाने के लिए किसी कमीने का फोन आ रहा है। इसका ये मतलब होता है मैंने उसको कितना मारा उसके बाद भी वो सच नहीं बोला। ह्यूमन राइट्स कमीशन का सहारा लेकर एमएलए इंक्वायरी बैठक। मिस्टर ईश्वरन पांडियन, आपके कस्टडी में स्टीफन दास नाम का कैदी है। इंट्रोगेशन करते समय उसे मारपीट कर टॉर्चर किया गया है, ये आप पर कंप्लेंट है। आपने उस कैदी को मारा है, हमें गवाहों के पूछताछ करने के बाद पता चला। एक कैदी के साथ इस तरह से पूछताछ करते वक्त डीके बोस जजमेंट नियम को आपने तोड़ा है, इस बात को आप मानते हैं? तो आप जवाब दीजिए। हाँ सर, इसके लिए मुझे 6 महीने सस्पेंड कर दिया गया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मासूम लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके लिए सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया, लेकिन इस कमीशन को इस्तेमाल करके क्रिमिनल बच जाता है। किसी के ऊपर भी एक ब्लैक मार्क हो, एक एफआईआर हो तो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए। मुझे सजा मिली लेकिन मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, लेकिन एक सिस्टम को मैं बदल नहीं पा रहा हूं। ये खुन्नस मेरी मजबूरी, मेरा फ्रस्ट्रेशन ने मुझे मारा। मैं इस काम को छोड़कर भैंस चलाने तक को भी सोच गया था। उसी समय मैं अलग तरह के आदमी से मिला। उसकी आंखों में आंख, दिमाग और तेज दिखा। कोई भी मरे हमें इससे क्या, इस दुनिया वालों को भी अपने सर शिक्षक के लिए शेर की तरह लड़ा, मुझे पसंद आया। मैं अपने कानून से कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने उसे हथियार बनाने का फैसला कर लिया। 8वीं पढ़ने वाली लड़की के साथ एक शिक्षक ने गलत किया था। उसकी माँ मेरे पास आकर रोई थी और मैं उस टीचर को अंदर बंद करके पीटता, मगर वो आईजी का साला था। अगर मैं उसको मारता तो मेरा ट्रांसफर हो जाता, इसलिए मैंने उस लड़की की माँ को देवा के पास भेजा था उसको न्याय। जुलाई में उस स्कूल के कांड में कौन कौन था मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर हमारे लिए कानून की जानकारी के कारण बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं एक टीचर को देवा के पास भेजा। देवा ने एक ही दिन में वो सारे अधिकारियों को सजा दिया। रास्ते में चलते हुए अगर कांटा चूक जाए तो उसे निकाल कर आगे जाने वाला था। उसके रास्ते में कांटे डालते जा रहे थे और उसे निकालता जा रहा था। हमारा डिपार्टमेंट कभी ये सोच भी नहीं सकता कि उसने इतने बड़े क्रिमिनल को मार डाला। बहुत लोगों को उसने सुधारा, वो गुंडा हीरा। बुजुर्ग की लड़की को कलंक किया वो क्रिमिनल। राशन का घोटाला करने वाले, धर्म के नाम पर लड़ने वाले आतंकवादियों को वापस मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो नारायण दत्त। मैंने उसे भी देवा के रास्ते में डाल दिया। नाम देवा,
बोल दिया ना। लेकिन उसने पुलिस इनकाउंटर में उसे मारने का प्लान किया है। बहुत दयालु है वो, अनाथाश्रम चलाकर बहुत से लोगों को जिंदगी दे रहा है। अगर बकरा और भैंस पर अत्याचार करे तो आप तुरंत सवाल उठाते हैं। एक अच्छे आदमी की मौत को रोक दीजिए। आप लोग इसके लिए लड़िए, आप न्यायमूर्ति हैं, न्याय दीजिए। हेलो, मैं ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, आपको किसी ने किडनैप किया है? हमें किसी ने भी किडनैप नहीं किया है। हम लोग एक सीक्रेट जगह पे मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। देवालम के आदमी के एनकाउंटर का ऑर्डर दिया आपने? यस सर। आपको तुरंत इसे रोकना होगा, नहीं तो हम लोग आप पर एक्शन ले लेंगे। थैंक यू सर। हेलो, मैं आपके कहने पे देवा को एनकाउंटर में खत्म नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं खत्म कर सकते? बात ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंच गई है। अभी जज ने मुझे फोन करके चेतावनी दी है। हम तो आपस में बात कर रहे थे, उनको इस बात का पता कैसे चला? प्लान करते समय मैं और आप, एसपी ईश्वरन पांडियन, शेखर मूर्ति, बस हम ही लोग तो थे। उन्हें कैसे पता चला? भैया यही हमारे लायक होगा। कौन है ये? हाँ, इधर आओ आओ। ये लायक नहीं है। नहीं नहीं, ये लायक है। मैं कह रहा हूँ ना कि लायक नहीं है। मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी मेरे बारे में इसकी शक्ल तो देखिए, यही सही है। अरे मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लायक नहीं है। किसके लायक हूँ और किसके लायक नहीं हूँ, ये लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये अपने लायक है भाई। ये लायक है क्या? अचानक ये तो नाराज हो गया। किस शक्ल से ये लायक होगा? अरे रुको, मैं किसके लायक हूँ किसके लायक नहीं हूँ, क्यों जिस काम के लिए सोच रहा हूँ उसके लिए तो लायक नहीं है। भैया आप कितना भी मारो लेकिन उस काम के लिए यही लायक है। क्या ये लायक है? हाँ सही है। किसके लायक हूँ नहीं हूँ बोल के तो मार लूंगा, बता तू सही। ये तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू मेरी शक्ल देख के बोल रहे हो ना? शक्ल को देख के बोलो तो तू लायक होगा क्या? चल जा यहाँ से। मैं किसके लायक हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। चल निकल यहाँ से। ये क्यों इतना चिल्ला रहा है? भाई, भाई साहब। कौन है? नमस्ते भाभी। क्या अनिल, अचानक इधर क्यों? मैं ना खंडाला जा रहा हूँ भाभी जी। जाने से पहले भाई से एक डाउट क्लियर करके जाना चाहता हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं भाई, मैं खंडाला जा रहा हूँ। ओ खंडाला को? हाँ। तो फिर जाओ जाओ जाओ, अरे अच्छे से जियो। जाने से पहले ना मैं अपना एक डाउट क्लियर करके जाना चाहता हूँ। उस दिन उसके लिए तू लायक नहीं है ये बोल बोल कर आप मुझे मार रहे थे। मैं किसके लायक नहीं हूँ समझ गया तो शांति से काम कर पाऊंगा ना। मैंने उस दिन भी कहा था तुझे कि तू इस काम के बिल्कुल लायक नहीं है, तो फिर वापस क्यों आया? चल निकल यहाँ से, निकल। नाराज मत होइए ना, मैं किसके लायक हूँ ये जान क्या करेगा तू? तू इस काम के लायक नहीं तो नहीं है। कृपया करके बोलिए वरना। अरे बोला ना किसके लायक नहीं है। अरे मैं बोल रही इसके लायक नहीं है। लायक नहीं होगा? अरे कानी दला, उसके लिए तो उसके लिए लायक नहीं होगा। भाभी भाभी मैं किसके लायक नहीं हूँ प्लीज आप ही बता दो ना, मैं तो बेचारा हूँ। मेरी बात मान, तो उसके लिए लायक नहीं होगा। चल तू जा यहाँ से। अब चलो जी। भाभी, अरे ये क्या, तू तो गांव जाने वाला था, इनके दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहा है? नहीं पापा, इस आदमी ने उस दिन इसके लायक नहीं हूँ इसके लायक नहीं बोल के बहुत मारा था मुझे। ये बात मेरे दिल में चुभ रही है। मैं गाँव जाने से पहले जानना चाहता हूँ कि मैं किसके लायक हूँ, और ये मुझे बता नहीं रहा है। ए मुरारी। क्या हुआ लक्ष्मण? मेरा लड़का जब पूछ रहा है कि वो किस लायक है तो तू बताता क्यों नहीं? लक्ष्मण, तेरा लड़का उस काम के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं होगा। नहीं, मेरा लड़का सारे काम के लायक होगा। अरे तू अपना कान इधर दे, मैं बताता हूँ। ऐसा क्या? मेरा बाप भी इसके साथ मिलके मुझे मारेगा लगता है। नहीं नहीं, मेरा लड़का उसके लायक नहीं होगा। तेरे बाप ने खुद बोल दिया ना, बात क्लियर हो गई ना, अब जाओ यहाँ से। डाउट कैसे क्लियर होगा बताओगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना मैं किसके लायक नहीं हूँ। बोलिए ना आप लोग, पापा आप ही बोलिए ना, बोलिए ना इनसे। अरे ऐसी बात नहीं करते, किसी को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। अरे आप मेरे पिता, आप नहीं बताओगे तो मेरा दिल फट जाएगा, मैं किसके लायक नहीं हूँ। तेरे बाप ने कह दिया ना कि तू उस काम के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, यहाँ वहाँ क्यों नाच रहा है, जाओ यहाँ से। अरे अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो मेरा सर फट जाएगा, मैं किस। एक बड़ा आदमी कह रहा है ना कि तू उसके लायक नहीं है तो नहीं है, फिर क्यों खपा रहा है और मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है, जा यहाँ से। अरे जा ना। आखिर मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसके पहले कोई मारता था तो कारण बोल के मारता था तो मेरे दिल को तसल्ली होती थी, लेकिन अभी जो मारा उसने बिना कारण बताए मारा, अब मैं शहर में कैसे काम करूंगा? मेरा दिल हमेशा यही सवाल पूछता रहेगा कि मैं किसके लायक हूं और किसके लायक नहीं हूं। हेलो, मैं देवा बात कर रहा हूं। भाई क्या बात है, तुम दो तीन दिन से आए नहीं, तुम यहां नहीं आ रहे हो क्या? यहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे? मैं बाद में बताता हूं, मां को कुछ भी बोलकर संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, you
तू मुझे पसंद नहीं करता है। मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम मुझे दुश्मन समझते हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं हूं। तुम्हारा दोस्त हूं। 3 साल पहले तुम पेपर करेक्शन करने के लिए ट्रिची आए थे, वहां मैं ऐसी था। बुराई के खिलाफ लड़ना यही तुम्हारा गुण है, इसलिए मैंने सारे क्रिमिनल्स को तुमसे मिलवा दिया। आज जो तुम इस हालत में हो इसका कारण मैं हूं। मुझे माफ कर देना तुमसे। क्या हुआ? इस दत्त के साथ तुम डबल गेम खेल रहे हो। हड्डी तुम हमारी खाते हो और पूछ देवा के लिए हिलाते हो। सुनो दोस्त, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने लोगों का भला करने के लिए उतार लिया है। डोंट स्टॉप। एक अच्छा काम करने के लिए हमारा नाम खराब हो तो भी हमें परवाह नहीं। डोंट स्टॉप। तुम्हें जो भी अच्छा लगे वही करो। तुम किसी भी कारण अपना काम मत रुकना। डोंट स्टॉप। उस नारायण दत्त को कहाँ है नारायण दत्त? अरे, तुमको अपनी मां जिंदा चाहिए या नहीं? अभी बॉम्ब फटने वाला है। अभी जन विसर्जन के लिए गणपति जा रहा है ना, उसमें बॉम्ब फटने वाला है। विसर्जन में जा रहे लोगों में तुम्हारी मां भी है ना? अरे आश्रम का गणपति है और उस गणपति की मूर्ति में बम रखा है। वहां सिर्फ तुम्हारी मां ही नहीं मरेगी, वहां बहुत सारे लोग मरेंगे बॉम्ब फटने से। कानून व्यवस्था सही नहीं है ये बोलकर हम इस सरकार को हटा दूंगा और फिर बनूंगा सीए। अगर तुम उन लोगों को बचा सकते हो तो जाओ और जाकर बचा लो। ओए, सब दरवाजा बंद कर दो।
ये तुम्हारे हाथ पर खून कैसा? वो छोड़ो, मेरी बात ध्यान से बोलो। भाई क्या हुआ? यहाँ पर किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है। बता, हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम माइक पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, सभी लोग यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भीड़ में भगदड़ मच जाएगी और कई लोग मर सकते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि अपना गणपति कहाँ है, मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना है। बेटा खून निकल रहा है। इस भीड़ में लोगों को मारने के लिए आश्रम के गणपति में बॉम्ब लगाया था। बॉम्ब? घबराने की जरूरत नहीं, उसे मैंने डिफ्यूज कर दिया है। किसने रखा वो? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। देवा, इसे छोड़ना मत। इतने लोगों की जान लेनी चाहिए, इसने इसे जिंदा मत छोड़ना। आज माँ कहती है तुझे, जा। मार दे उसे। ऊपर वाला हमेशा ही सही इंसाफ करता है।